क्या हालचाल है? एंड आई एम बैक विद अनदर जीएनआर स्पोर्ट्स मैनेज D1 इलाइट स्ट्रीम। और आई नो आपका अपना गाइडेंस गिव गेमिंग थोड़ा सा लेट हो चुका है गाइस। ये एक्चुअली आपको लगता नहीं कि बहुत ज्यादा हो रहा है मेरा आजकल? तो चलिए कोई बात नहीं गाइस, कल से हम ट्राई करेंगे ऑन टाइम स्ट्रीम करने का। आज का रीजन मैं बता देता हूँ, रीजन नहीं बोलूंगा बट आज का सीन आपको बताता हूँ इसलिए क्या है। आज है एश वेनसडे एंड हम गए थे चर्च में, तो चर्च से आए हैं, अभी शाम को मास हुआ था, उसके बाद में फिर नॉर्मल टाइम, अभी तक खाना भी नहीं खाया है, बाद में खाना खाएंगे। तो वही है गाइस, आई एम सो सॉरी कि हम लेट पहुँचे, बट आई वोंट स्टॉप स्ट्रीमिंग है, हम लोग करेंगे स्ट्रीमिंग, अभी स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्दी, लेट्स गो डायरेक्टली। यहाँ पे बंदे ऑलरेडी उतर चुके हैं, स्कूल का एरिया हम लोग देखने वाले हैं। पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पे बूम बम होने वाला है स्कूल से, यहाँ पे एक बूम बम ऑलरेडी हो चुका है। एंड अगर देखा जाए यहाँ पे तो वॉर के बंदे हैं, वॉर के बंदे फुल बूम बम कर रहे हैं, फुल तगड़ा तोड़ रहे हैं भाई, तंगड़ी तोड़ रहे हैं, पूरा मारे जा रहे हैं। यहाँ पे स्लॉट नंबर 5 को खत्म कर दिया भाई, वहीं पे एचआरई आज खेलने आ चुकी है, एचआरई के बंदे भी वहाँ पे मरते हुए हम लोग को दिख रहे हैं। एंड उनको मैं बोला रहा शायद से यहाँ पे D24 ने खत्म कर दिया है, कार्नेज इनका मर चुका है। एंड भाई एचआरई के बंदे डे आर डेड आई गेस, तो अगर देखा जाए तो मैक ऑफिशियल भी मर चुकी है। एचआरई के बंदों को देख लेते हैं फिलहाल के लिए, एचआरई के बंदे है कहाँ पे भाई? हेल रेजर थे कहाँ पे? वेयर आर दिस गाइस, वेयर इज हेल रेजर? जाम्बी को हमने देखा था गाइस, जाम्बी था कहीं पे। एंड जाते हैं यहाँ पे और देखते हैं एग्जैक्टली जाम्बी को भाई बंदा है कहाँ पे। बिफोर एम के विस्की भी वहां पे नॉक हुए जा रहे हैं भाई, एचआरई के बंदे अब तक जिंदा है। स्लॉट नंबर 14 के बंदों को देखा जाए तो यहाँ पे खेल रहे हैं आज हेल रेजर्स के फ्लैश, सिद, ओपी, टॉक्सिक एंड जाम्बी वाईटी। अगर आप लोगों को इनके बारे में बोला जाए तो भाई इनके बारे में तो सबको मालूम है, यहाँ पे भाई वॉर मेनिया का सीजन 3 अंडरडॉग लीग जीत के आ गए हैं फुल बूम बाम करने के लिए। जेनर के कस्टम्स में कोई क्यों नहीं आ रहे राजदीप? मेरे भाई मॉर्निंग के कस्टम जो है वो ओपन कस्टम से, और इसी के लिए हम लोग ने कस्टम बंद कर दिया मॉर्निंग के T2 and T3 के, बिकॉज सपोर्ट नहीं मिल रहा है। T2 का सबसे बेस्ट सपोर्ट मैं आपको बोलूँ तो भाई लिटरली आते हैं भाई T1 की तरफ से, बिकॉज बंदे थोड़े सीरियस रहते हैं, T2 के बंदे मेरे को लगता नहीं कि भाई इतने सीरियस रहते हैं T1 के बंदे। अगर आप सीरियस हो तो ज़रूर आपको सपोर्ट किया जाएगा, बट फॉर द टाइम बिंग आई नो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है। आम के बंदे यहाँ पे हम लोग को नॉक होते दिख रहे हैं, बदमाश को देखा जाए तो बदमाश यहाँ पे उतर चुके हैं, बदमाश सीधा आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आम के बंदों को खत्म करने की पूरी कोशिश करने वाला टीम हैशटैग अपने नॉर्मल ड्रॉप पे उतर चुके हैं। एंड भाई आम के ग्रूट को यहाँ पे ले लिया है आड़े में, और आम के ग्रूट जो है वो अभी यहाँ पे तकलीफ में हम लोग को दिख रहे हैं, मर जाएंगे ऑफकोर्स देखा जाए तो। यहाँ पे उनको ऐसे ही छोड़ दिया, बदमाश वॉज वेटिंग कि भाई इनके नज़दीक में कोई आए और ये उनको पिकअप कर पाए। अगर ओम के बंदों को देखा जाए, ओम स्पोर्ट्स के भाई 6-9 जो है वो आराम से यहाँ पे मजे कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इनको पता है कि इनके ऊपर अटैक्स आ चुके हैं। एंड देखते देखते हम लोग देख रहे हैं टीम हैशटैग को, टीम हैशटैग में आज एक नया मेंबर खेल रहा है जो कि है शॉर्टी अलॉन्ग विद बदमाश, स्टोनर एंड मॉडिश। देखते हैं यहाँ पे क्या करने वाला है शॉर्टी। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6-9 के ऊपर अटैक किया जा रहा है, 6-9 वेट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे एक टाइम में एके एम का अटैक देते हुए स्टोनर ने बहुत ही अच्छा हिट दे दिया है विद एन M4। एके एम इनके सामने नहीं टिकने वाली है भाई, स्टोनर का गन पावर नेक्स्ट लेवल है। और ये देखा जाए तो हैक्सोर जो है यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ और लूटने की कोशिश कर जा रहे हैं। इनके पास में भाई है स्कारल अलॉन्ग विथ Kar98, थोड़ा सा फॉल बैक करेंगे, फॉल बैक करके किसी एक बंदे को पिकअप करने की कोशिश करेंगे। T2 क्लोज, जी हाँ T2 भी क्लोज आज से होंगे ओपन कस्टम्स, 1 से लेके 4 बजे तक ओपन कस्टम्स होने वाले हैं हमारे, जिसको भी आना है गाइस एवरीबडी सब लोग आ सकते हैं। जीएनआर के बंदे ने यहाँ पे अटैक लाइन चालू कर दिया, और देखा जाए तो यहाँ पे जीएनआर के बंदे कहीं और ही फाइट कर रहे हैं भाई, कहाँ पे फाइट कर रहे हैं? जीएनआर ने आज एक अलग ड्रॉप ले लिया है गाइस, तो जी हाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक नया ड्रॉप स्विच कर रहे हैं। एचआरई के फ्लैश को खत्म कर दिया, सिद ने वहाँ पे निंजा को खत्म कर दिया। अगर देखते देखते हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पे एचआरई के बंदे भी तकलीफ में आ चुके हैं, जी हाँ देखा जाए तो यहाँ पे फ्लैश जो है इनको नॉक किया था, फ्लैश भी रैप हो जाएंगे और आराम से यहाँ पे सिड अलॉन्ग विद टॉक्सिक एंड जाम्बी का हम नहीं बोल सकते गाइस, जाम्बी यहाँ पे मर चुके हैं, जाम्बी डेड राइट नाउ, जाम्बी को फिनिश ऑफ कर दिया गया है बाय समबडी हु वाज फाइटिंग अलॉन्ग विद देम। एंड मे बी ये मेरे को लग रहा है कि टीम GNR है शायद से, क्योंकि इनके नजदीक में कोई और हमें नहीं दिख रहा है। हिट दिया जरूर है सिड को, बट सिड जो है वो बच जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए मेरे को लग रहा है गाइस यहाँ पे अगर तो टीम HRE थोड़ी सी तकलीफ में लग रही है, बट टीम नंबर 14 के बंदे भाई वॉर मेनिया जीत के आया है, तो भाई ऐसे थोड़ी है भाई, ये लोग सीधा अंदर घुसने वाले, मेरे को लग रहा है बहुत ही जल्दी अटैक आने वाला है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे
एफएसएम के बंदे जो है अपने नॉर्मल ड्रॉप यसनया में यहाँ पे मस्त करके क्रूज कर रहे हैं, वहीं पे इनके नजदीक में स्लॉट नंबर 14 में 4 के बंदे जो कि है भाई इरेस के बंदे यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करने वाले हैं। इरेस के हाइड्रॉस थापा राइजर खेल रहे हैं, वहीं पे स्विंगर ने गच्छी क्रू के बंदों को पेलना चालू कर दिया। भाई गच्छी क्रू के बंदे भी आ चुके हैं यहाँ पे अटैक करने के लिए, भाई स्ट्रिंगर के ऊपर आ चुके थे एंड एक बंदा गाड़ी में चल रहा था, वहीं पे भाई स्वीबी को खत्म किया जाएगा। टैप टैप करके इनको चाहिए किल्स, और सामने से वहां पे देखा जाए तो यहाँ पे गच्छी क्रू के बंदे फाइट कर रहे हैं टीम एचआरी के साथ में। सीट के ऊपर बैठा कर रहा, सीट को पिक ऑफ कर लिया गया है भाई स्लिंगर गेमिंग वाईटी, बहुत ही अच्छे से खेलते हुए यहाँ पे स्लिंगर एक अच्छा खासा अटैक दे रहे हैं। पीछे से यहाँ पे हिट करने की कोशिश कर रही है और देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन है। फ्लैश जो है वो अपने दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या मतलब क्या सीड यहाँ पे बच पाएंगे। हेल रेजर्स के यहाँ पे जो बंदे हैं वो थोड़े से तकलीफ में हम लोग को दिख रहे हैं, बंदे अभी अंदर घुसने की कोशिश करने वाले हैं। शायद से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन लोगों के लिए एंगल बन चुका है, टीम जेनर बहुत ही अच्छा एंगल लेके आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है टीम जेनर ऑफिशियल्स के साथ में। वहीं पे कहीं ना कहीं थोड़ी दूर चले जाए तो मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ पे फाइट होने वाली है बहुत ही जल्द ही कोई और टीम की। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे फाइट होने वाली, कैसे यहाँ पे बॉम्बर के बंदे फाइट कर सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ दे आर होल्डिंग अ वेरी गुड चोक पॉइंट एंड बॉम्बर के बंदे फुल बूम बम करने में निकल चुके हैं। निकी ओपी आरिश अलॉन्ग विद आईबीबी एंड विबांशु, देखते हैं यहाँ पे क्या करने वाले हैं। भाई रॉक्स के बंदे इनके नजदीक में आ चुके हैं स्लॉट नंबर 15, टीम नंबर 15 जो है वो भी बहुत ही तगड़ी खेलती हुई टीम हम लोग को देखने वाली है। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं टीम नंबर 15 के बंदे। मेरे को लग रहा है यहाँ पे फैंग ओपी शायद से इन्होंने जंप कर लिया है, पानी के अंदर जा रहे हैं, इनको पता है कि भाई आगे में गाड़ियां है, तो भाई फैंग ओपी जो है वो धीरे धीरे तैर तैर के आने वाले हैं, अपने लिए बचाने वाले हैं कुछ ना कुछ करके, कुछ भी करके यहाँ पे अपने टीम को आगे लेके जाने वाले। वहीं पे एच आर ई हेल रेजर्स के बंदों ने ले लिया है फाइट एंड नाउ दे आर फाइटिंग विद टीम जी एन आर आधी ओपन में हिट दे रहे हैं टीम जी एन आर को। सीड यहाँ पे बहुत ही ओपी स्प्रे डालते हम लोग को दिख रहे हैं, वहीं पे टीम जी एन आर वहां से रिटेलिएट करते हुए एक ही पीछे यहाँ पे फायर्स को रोकने की कोशिश कर रही है जी एन आर, बट हेलरेजर्स के बंदे जो है वो लोग जोन के बाहर है। नाउ दे माइट टेक अ गुड रोटेशन, मे बी यहाँ पे डायरेक्टली अटैक करेंगे, क्या करेंगे वो तो पता नहीं है, बट आई गेस सो यहाँ पे दोनों को जाना है जोन के अंदर शायद, देख लेते। जी हाँ, दोनों को जोन के अंदर निकलना है एंड दोनों ने अपने रोटेशन चालू कर लिए है, जोन में जाएंगे बाद में अटैक करेंगे। और ये हम लोग देख रहे हैं टीम जीएनआर ने रोटेशन ले लिया, इनके सामने भाई एचआरई के बंदे सीधा अटैक करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर रिशु को नॉक कर दिया है फ्लैश ने, एक और बंदा यहाँ पे करते हुए, एक और बंदे को नॉक करते हुए अकेला गैस ली बाकी है। देखते हैं यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए भाई टीम जीएनआर को एचआरई के सीड ओपी अलॉन्ग विद फ्लैश, दो बंदों ने यहाँ पे 2v3 का क्रश मार दिया है, बहुत ही ओपी से खेलते हुए यहाँ पे टीम एचआरई एंड हेलरेजर्स यहाँ पे अपने दोस्त को बचाएंगे। वहीं पे टीम हेलरेजर्स का एक बंदा जो था वो पीछे रुक गया था, इसने भी आराम से यहाँ पे ले लिया, बहुत ही यू नो गाइस बहुत ही काम तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया एंड फाइनली यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए हम लोग को दिख गए टीम जीएनआर ऑफिशियल्स इज आउट ऑफ दिस मैच राइट नाउ। देखते हैं यहाँ पे स्टार के साथ में क्या चल रहा है, ये तो गच्छी क्रू है गाइस, आई गेस गच्छी नहीं है, ये तो स्टार ही है। स्टार के साथ में भाई विजन आज खेल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे विजन क्या करने वाले हैं, शॉर्टी के ऊपर अटैक दे रहे हैं, देखते हैं क्या इनके अटैक्स प्रॉपर जाएंगे। सेंसाई के हैशटैग के बंदों ने दो बानास पकड़ लिए हैं, अच्छे खासे यहाँ पे इनके पास में कवर्स है, बाजू से इनको पड़ती हुई भाई बंदे अभी यहाँ पे टीम नंबर 7 के बंदे जो है वो अटैक कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है, टीम नंबर 7 को अगर देखा जाए तो भाई टीम नंबर 7 भी नहीं छोड़ने वाली है इन लोगों को एंड भाई बहुत ही तगड़ा अटैक करने की सोच रही है टीम नंबर 7 ने, अपनी पोजीशन स्विच करने का सोचा है। देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे निकलने वाले हैं टीम नंबर 7, टीम नंबर 7 जो कि है टीम अमृत नहीं छोड़ने वाली है किसी और को, भाई अपने दोस्तों को नहीं पेलने वाली। वहीं पर देखा जाए यहाँ पे इंसेंट क्लाउडी को आज ले लिया है लोन पे बाय टीम जीएनआर एंड शकुनी अलॉन्ग विद नैस्टी खेल रहे हैं और आज के साथ में देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। आज को नॉक दिला दिया है, आज को यहाँ पे रैप देना पड़ेगा और क्लाउडी यहाँ पे जा रहे हैं अपने दोस्त को रैप देने के लिए। वहीं पे देखते देखते मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ करके हिट्स आने वाले हैं। एंटी नंबर 16 के बंदे जो है वो भी भाई बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हिट दे रहे, क्लॉ स्पोर्ट्स नहीं छोड़ रही है बंदों को किसी को, देख रहे हैं हम लोग फिलहाल के लिए। यहाँ पे सस्ता हैक्स अलॉन्ग विद एम मैग्नेट गॉड किल एंड हाउंड ओपी अटैक कर रहे हैं एंड भाई सब बंदों ने सेंटर में लाने का सोच लिया है। बॉम्बर के बंदे भी यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, एक बंदे का जो नॉक पड़ा है इसको रेफ दिया जाएगा आई बेबी को। इनके सामने यहाँ पे एक जो और बंदा जो है वो भी है जो नॉक पड़ा हुआ है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे भाई 4MS के नत्सुई नॉक पड़े हैं एंड भाई 4MS की नत्सुई कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके दोस्त लोग जो इनके टीम जो है वो इनके नज़दीक में नहीं है, बट कुछ भी करके इनको बचाना है तो भाई इनके दोस्त
डूड टू ओपी आगे बढ़ जा रहे हैं, ये बढ़ चुके हैं आगे और अपने दोस्त को यहाँ पे बचा लिया है। एमरिट जो है वो अच्छी खासी खेल रही है फिलहाल के लिए, अगर देखा जाए तो अपने दोस्त को पूरा का पूरा बचा लिया गया है। बॉम्बर के बंदे यहाँ पे वेट कर रहे हैं, इनके साथ नीचे कोई और आ चुका है भाई, ये अकेला बंदा हिट कर रहे हैं। दो बंदे यहाँ पे नीचे उतर चुके हैं, इसमें भी पांचों आगे बढ़ जा रहे हैं। एक बंदे को यहाँ पे नॉक दे दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से नॉक दे दिया है। एंड भाई सेकंड बंदे को यहाँ पे भी पिक ऑफ कर लिया जाएगा, इसको फिनिश ऑफ करेंगे भाई अतुल बिलाल को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर लिया है। एंड भाई निकी ओपी जो है वो भी मर चुके हैं, अकेला बंदा फाइट कर रहा है। एंड भाई ये ओपी से नॉक देते हुए यहाँ पे नत्सु का बाप, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नत्सु के बाप ने यहाँ पे खत्म कर दिया है। नत्सु का बाप भाई तगड़ा यहाँ पे हिट दिया, बहुत ही तगड़ा हिट देते हुए हम लोग को दिखे नत्सु के बाप। एंड टारगेट स्पोर्ट्स के बंदे एक ही पीछे यहाँ पे हिट दे रहे हैं, बंदों को यहाँ पे तकलीफ में आने की कोशिश करा रहे हैं, बट टारगेट स्पोर्ट्स थोड़े से यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं हर एक पोजिशन में। अरे ओपी कॉमेंट्री भाई कैसे हो मेरे भाई, एकदम मस्त डीजे, क्या हालचाल स्वेन, हेलो मेरे भाई क्या हालचाल है ब्रो। टारगेट स्पोर्ट्स के राइजन जो है वो अच्छे खेल रहे हैं फिलहाल के लिए, यहाँ पे वेट किया जा रहा है, ये लोग एक अच्छा खासा एंगल नहीं निकालने वाले हैं, अपने कंपाउंड में यहाँ पे होल्ड किया जाएगा। एंड बाद में जब जोन साथ नहीं देगा तो इनको जोन के अंदर भी जाना है। भाई राइजन मार रहा है बंदे को, भाई नॉक कर दिया राइजन ने, बहुत ही तगड़ा बस्ट देते हुए यहाँ पे डीपी का, बहुत ही मस्त मस्त बस्ट यहाँ पे दे दिया है। एंड भाई टारगेट स्पोर्ट्स के बंदे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे भाई थोड़े से यहाँ पे थोड़े से ऑफेंसिव पोजिशन में जा रहे हैं, ऑफेंसिव स्टैंड में जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे एक्जैक्टली क्या होने वाला है। वहीं पे भाई जीएनआर के बंदों ने पेलना चालू कर दिया वापस से। एंड ये एक और बंदे को नॉक दे दिया शकुनी ने, शकुनी तो होल्ड किए जा रहा है, शकुनी इज नॉट लिसनिंग राइट नाउ। शकुनी फिलहाल के लिए यहाँ पे किसी ना किसी एक को नॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, बंदे यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं तीन चारों के चारों बंदे यहाँ से निकल रहे हैं। मे बी यहाँ पे सीधा पुश किया जाएगा, देखते हैं क्या सीन होने वाला है टीम जीएनआर के साथ में। शकुनी अपना स्कोप एडजस्ट करते हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे टीम नंबर 9 भी है, स्टार के बंदे भी यहीं पे है, देखते हैं यहाँ पे स्टार के बंदे भी कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश कर रही है बंदों को। एंड इन्होंने स्पॉट कर लिया है जो कि टीम नंबर 8 जो आई गेस सो ये है बाज, और बाज के बंदों ने यहाँ पे अच्छा खासा कंपाउंड होल्ड कर रहे हैं। हेक्टर यहाँ पे किसी ना किसी एक को नॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास दोपहर के कोई कस्टम्स है 2 से लेके 5 बजे तक? ब्रो फिलहाल के लिए नहीं है, बट मैं देखता हूँ यहाँ पे डिस्कॉर्ड पर सर्वर्स रहेंगे, मैं आपको भेज दूंगा सर्वर कर लेंगे, डोंट वरी गाइस। अगर कोई देख रहे हो जिनके और जिनको पता है कि 2 से लेके 5 बजे तक कोई T3 या T2 के कस्टम्स होते हैं तो जरूर बताना, राजदीप को यहाँ पे लिंक देना है, अगर हो सके तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर लिंक भेजिएगा, हम डायरेक्टली भेज देंगे राजदीप को। ओके तो वहां पे अटैक चालू हो चुका है, हैशटैग के बंदों ने पेलना चालू कर दिया है भाई, और हैशटैग के बंदे रुक नहीं रहे, हैशटैग के बंदों ने भाई एक ही पीछे एक अटैक दे दिया है। टारगेट स्पोर्ट्स के बंदों के ऊपर यहाँ पे अटैक देते हुए हम लोग को दिख रहे हैं। शॉटी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मारने की कोशिश कर रहा है, वही पे मॉडल भी शॉटी के साथ में सपोर्ट देते हुए हम लोग को दिखने आ रहे हैं। वही पे एचआर के सेड को नॉक कर लिया है भाई नत्सुई ने, खलनायक है पिकअप कर लिया गया है। एंड मॉडल यहाँ पे हिट दे रहे हैं, बंदे यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, बहुत ही ओपी सा यहाँ पे नॉक देते हुए हम लोग को दिख गए हैं। मॉडल राइजन अकेले बाकी है, एंड भाई इनको खत्म कर दिया, टारगेट स्पोर्ट्स इज फिनिश्ड, दे आर आउट एंड एलिमिनेटेड ऑफ दिस मैच। देखते हैं यहाँ पे टीम हैशटैग ने बहुत ही अच्छा खेल लिया फिलहाल के लिए, यहाँ पे नैशी के ऊपर अटैक आ रहा है, और भाई बंदा बच गया, हिट देने का कोशिश कर रहे थे विद कार 98 बट नहीं हिट दे पाए। इनके नजदीक में टीम स्टार के बंदे, नैशी को वेट करना पड़ेगा, और नैशी नहीं वेट कर पाए, थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो चुके थे, थोड़ा सा फॉल बैक करने की कोशिश कर रहे थे। एंड ये नैशी को नॉक दिला ही दिया फाइनल, स्टार के बंदे यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिख रहे, नेट जा रहे यहाँ पे टीम स्टार के ऊपर, भाई बंदा लेट चुका है, सेंसा अकेला बंदा बाकी है, शकुनी यहाँ पे एक पीछे एक हिट देने की कोशिश कर रहा है, विजन को नॉक दिला ही दिया है, तीन बंदे इसके सामने है, देखते हैं क्या होने वाला, पीछे से यहाँ पे विजन को फिनिश ऑफ कर दिया है विद डीपी। एंड ये के पीछे एक स्मोक्स मार रहे हैं हम लोग को दिख रहे हैं शकुनी, बंदों ने फॉल बैक कर लिया है, और भाई मालूम पड़ चुका है नैचो को यहाँ पे ऑफकोर्स रेव मिलने वाला है, देखते हैं यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्या रहेगी इनकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी टीम स्टार की। फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पे आज को भी फिनिश ऑफ कर दिया है, बहुत ही अच्छे से खेलते हुए यहाँ पे किल्स लेते हुए बास के बंदे आराम से मस्त मजे ले रहे हैं, जीएनआर के बंदों को भी अटैक कर रहे हैं डेविल, और देखा जाए तो भाई काकारुद भी ऊपर चढ़ चुके हैं, काकारुद को भी यहाँ पे हिट्स लेने हैं, देखते हैं यहाँ पे टीम हैशटैग के ऊपर भी इनकी नजर है जरूर, बट मे बी यहाँ पे इनके सामने दो टीम्स है, देखते हैं गाइस टीम हैशटैग क्या कर रही है फिलहाल के लिए, टीम हैशटैग भाई अटैक कर रही है एक ही पीछे एक। शॉटी को देखा जाए तो शॉटी अलॉन्ग विथ हिज डीपी आगे बढ़ा जा रहा है भाई, ये बंदा मेरे को लग रहा है कि फिलहाल के लिए यहाँ पे आराम से वेट कर रहा है। एंड भाई थोड़ा सा यहाँ पे स्लो खेलती हुई हम लोग को दिख रही है टीम हैशटैग, आई हैव नो आइडिया, मे बी यहाँ पे नए प्लेयर को ट्राई आउट कर रहे हैं, मे बी ही इज गेटिंग यूज टू द टीम, देखते हैं यहाँ पे क्या करने वाली है टीम हैशटैग। फिलहाल के लिए देखा जाए तो बदमाश के आईजीएलिंग के अंडर
टीम हैशटैग बहुत ही अच्छा कर रही है। एंड वॉर के बंदों को देखा जाए तो वॉर के बंदे भाई, इनका एक बंदा नॉक हो पड़ा है। मॉरिस भी यहाँ पे ओपी से असॉल्टिंग कर रहे हैं अलॉन्ग विथ स्टोनर, तो दोनों का गन पावर बहुत ही तगड़ा चलता है यहाँ पे टीम हैशटैग के अंदर। एंड बदमाश आईजेलिंग करते हैं हम लोग को देख रहे हैं। शॉर्टी मे बी इज अ सपोर्ट प्लेयर, देखते हैं यहाँ पे शॉर्टी कैसे अपने रोल को निभाएंगे। फिलहाल में देखा जाए तो यहाँ पे ट्रिगर भी अपना अच्छा खासा रोल निभा रहे हैं ऑफ स्नाइपिंग। क्या ट्रिगर यहाँ पे नॉक निकाल पाएगा, मे बी वो उनको डैमेज करने की सोच रहा है यहाँ पे, शायद से यहाँ पे डैमेज करने की पूरी कोशिश करने वाले। सास्के के ऊपर यहाँ पे अटैक, सास्के की हेल्थ लो, बहुत ही ओपी से खेलते हो। यहाँ पे ट्रिगर के ऊपर भी अटैक्स आ रहे हैं, ट्रिगर नहीं हो, ही इज नॉट होल्डिंग बैक गाइस। मेरे को लग रहा है कि ट्रिगर यहाँ पे एक ना एक नॉक निकालने की कोशिश कर, नॉक निकाल लिया है भाई यहाँ पे सेंसाय का बहुत ही ओपी तरीके से। एंड टीम वॉर अभी आगे बढ़ने वाली है, मे बी यहाँ पे हिट देगी टीम स्टार को, बट देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होने वाले। शायद से भाई एक और थोड़ा सा लंबा रूट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर इनके नजदीक में बेड स्पोर्ट्स के बंदे भी हो सकते हैं जी का, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। जी हाँ, इनके नजदीक में भाई बेड स्पोर्ट्स के बंदे हैं, और बेड स्पोर्ट्स के बंदे नहीं रुकने वाले भाई, वॉर के बंदे से जान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, घुस चुके हैं अंदर। ट्रिगर की हेल्थ बहुत ही लो हो चुकी है, ट्रिगर को यहाँ पे हेल्थ मारना पड़ेगा, इनके पास में हेलमेट्स नहीं है। एंड भाई तीनों के तीनों बंदे यहाँ पे रैव हो चुके हैं, टीम स्टार यहाँ पे रैव हो चुकी है। एंड भाई मेरे को लग रहा है कि डब्ल्यू को भी नॉक किया गया है वहाँ पे, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉर के एक बंदा नॉक हुआ पड़ा है, और वॉर के एक बंदे को यहाँ पे रेफ लेना ही पड़ेगा। काकरूत भी नॉक हो गए हैं भाई, काकरूत को पीछे से वहाँ पे पेन दिया गया है, बास काकरूत वहाँ पे नॉक होते हुए हम लोग को दिख रहे हैं। एंड भाई यहाँ पे वॉर के क्रोनस जो है, मे बी ही इज होल्डिंग टीम जी एन आर, देखते हैं यहाँ पे टीम जी एन आर का क्या सीन चल रहा है। फिलहाल टीम जी एन आर यहाँ पे होल्ड करती हुई एफ एस एम के बंदे इनके नज़दीक में है। मेरे को लग रहा है कि गाइस यहाँ पे कुछ ना कुछ करके दोनों तरफ से ये लोग बनने वाले हैं सैंडविच, देखते हैं यहाँ पे भाई। अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो इनके ऊपर नजर रखते हैं टीम स्टार के ऊपर, एंड टीम स्टार यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि सैंडविच ऑलरेडी हो चुकी है भाई। बेपैक्स के ऊपर यहाँ पे पीछे से अटैक आ चुका है बेड स्पोर्ट्स के बंदों का, टीम नंबर 22 यहाँ पे पूरा ट्राई कर रही है बंदों को पेलने के लिए। एंड भाई दो बंदों ने होल्ड कर लिया वॉर के बंदों को, क्योंकि उनको पता है कि द मोर एग्रेसिव टीम इस टीम वॉर, यहाँ पे दो बंदे आराम से वेट करें तो अच्छा होगा, एक बंदे का नॉक देना पड़ेगा। बट नहीं, रिटर्न में यहाँ पे नॉक आता है सास्के का, सास्के यहाँ पे डिफिकल्ट पोजीशन में हम लोग को दिख रहे हैं। एंड भाई वॉर के ड्रिगर जो है वो एक के पीछे एक टीम में 16 के बीच अटैक कर रहे हैं, एम मैरन को पीछे होल्ड कर लिया गया भाई वॉर, चोमू ओपी एंड भाई एक के पीछे एक बंदों को यहाँ पे नॉक देते हुए हम लोग को दिख रहे हैं। टीम वॉर इज भाई फाइटिंग वेरी हार्ड, बहुत तगड़ा यहाँ पे अटैक दिखा रही है एंड अंदर घुस रहे हैं हम लोग को देख रहे हैं। चोमू यहाँ पे एक बंदे को नॉक दे दिया, यहाँ पे बेपैक्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर ली, पर बेपैक्स ने यहाँ पे तगड़ा सा फिनिश ऑफ कर लिया नॉक के साथ में। बेपैक्स यहाँ पे अकेले है और देखते हैं यहाँ पे बेपैक्स का एंगल है, हेल्थ बहुत लो, हेल्थ थोड़ी सी लो है, क्या करने वाले हैं बेपैक्स। ओ भाई क्रोनोस को भी नॉक कर दिया ये बंदे ने, ये बंदा फुल तगड़ा वाला, मे भी यहाँ पे रैप दे सकता है सेंसाय को। ड्रिगर यहाँ पे आगे बढ़ने वाला है, हेल्थ किट मारेगा और बाद में अपने दोस्त को बचाएगा। वहीं पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्रोनोस को भी रैप दिया जाएगा, देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या। ओ भाई बंदा मर चुका, बेपैक्स के पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। एंड ट्रिगर वो सिर्फ बेपैक्स होने वाला है, ऑल्सो यहाँ पे क्रोनोस जो है वो हेल्थ लगा रहे हैं वामी वन का फाइट, एंड ट्रिगर को यहाँ पे नॉक दे दिया है भाई तगड़ा यहाँ पे नॉक दिलाते हुए बेपैक्स हम लोग को दिख रहे हैं। सास्के जो नॉक है इनको रैप दिया जाएगा, एंड क्रोनोस यहाँ पे आगे बढ़ चुके हैं। क्रोनोस को यहाँ पे पता है कि बेपैक्स कहाँ पे पोजीशन पता है, एमके के साथ में यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए टीम स्टार को। वहीं पे देखा जाए तो भाई वॉर क्रोनोस जो है अपने साथी को बचा पाएंगे या नहीं वो तो पता नहीं है, पर फिलहाल के लिए यहाँ पे टीम स्टार का खात्मा कर दिया है। पीछे से यहाँ पे वॉर क्रोनोस के ऊपर अटैक्स आ रहे हैं, एंड वॉर क्रोनोस के पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, बेट के बंदों ने यहाँ पे खत्म कर दिया शायद से। मेरे को लग रहा है गाइस यहाँ पे बेट के बंदों ने खत्म कर दिया, वहीं पे स्कल के बंदे आई गेस ये नेस्टी है अकेले बाकी है जो कि खेल रहे हैं जीएनआर के अंदर से, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है नेस्टी का। फिलहाल नेस्टी अकेला बंदा बाकी है, नेस्टी इज होल्डिंग राइट नाउ, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है। एफएसएन के बंदों को यहाँ पे हिट कुछ करने वाला है, एंड ये न्यू कॉपी को यहाँ पे नॉक देते हुए, न्यू कॉपी जो भाग रहे थे यहाँ से निकल रहे थे फॉल बैक कर रहे थे साथी नजदीक में, उसको यहाँ पे नॉक दिला दिया। नेस्टी को पता है कि भाई इनको फिनिश करना पड़ेगा बिकॉज ही इज द ओनली गाय लाइव इन स्क्वाड, और इनको भाई लेने है पॉइंट्स अपने स्क्वाड के लिए, दो किल्स ऑलरेडी ले लिए हैं। एफएसएन के बंदे जो है वो ऑलरेडी निकल चुके हैं यहाँ से, इनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, जोन के अंदर जाना पड़ेगा। अभी नेस्टी को देखते हैं यहाँ पे ऑन टॉप के बंदे क्या कर रहे हैं। ऑल्सो ईरियस के बंदों के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो ईरियस के बंदे आराम से यहाँ पे कंपाउंड होल्ड करके बैठ चुके हैं, देखते हैं एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। और टॉप के बंदों के ऊपर यहाँ पे अटैक्स किया जा रहा है भाई ऊपर से, भाई रेस का ये भाई राइजर बच गया, राइजर बच गया बाय टीम ऑन टॉप बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे अटैक कर रही है। एंड भाई इनका एक बंदा नॉक हुआ पड़ा है, आई गेस ये रॉक्स के बंदों ने कर दिया, माय बैड गाइस यहाँ पे थापा ने नॉक कर दिया है। एंड भाई इरेस के बंदे भी यहाँ पे एक के पीछे एक ट्रेन नॉक लेने के लिए रुके हुए हैं। एंड भाई इरेस के बंदों को पता है ऑन टॉप के बंदों को आगे आना ही है, सो दे वोंट कम आउट ऑफ देयर कवर राइट नाउ। ऑन टॉप के बंदों के पास में ज्यादा कवर नहीं है, एक रिच का सपोर्ट है छोटा सा, बट इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं पर नेस्टी ने एक अच्छा खासा नॉक निकाल लिया है स्टोनर का, स्टोनर को यहाँ पे फेंक दिया, ऑन टॉप के प्रॉपर देखे जाए तो यहाँ पे बंदे को
फेल रहे हैं और ये भाई इसको उड़ा दिया है। एंगो नॉट ओपी को यहाँ पे उड़ा दिया है। लक्ष्य ने वहाँ पे शॉर्टी को पिकअप कर लिया है। शॉर्टी यहाँ पे मरता हुआ हम लोग को देख रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे एक्जैक्टली क्या सीन हो रहा है। गेस नेस्टी मर चुके हैं, दो बंदों को यहाँ पे पिकअप ऑलरेडी कर लिया है। तो मॉडर्स अकेला बाकी है। देखते हैं यहाँ पे एक्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। स्टोनर एंड बदमाश यहाँ पे नॉक है। देखते हैं क्या मॉडर्स, आई गेस यहाँ पे मॉडर्स रेफ के लिए निकल जाएंगे। इनके पास में बहुत टाइम है फिलहाल के लिए, बट ही माइट होल्ड अनदर टीम्स में भी। देखते हैं यहाँ पे मॉडर्स आराम से वेट कर रहे हैं। बदमाश को यहाँ पे रैप दिया जाएगा, पर गाड़ी अगर फूट जाएगी तो कुछ ना कुछ सीन हो जाएगा। वहीं पे ऑन टॉप में देख रहे हैं स्टोनर को नहीं बचाया जाएगा। मे बी स्टोनर बच सकते हैं, इट्स अ रेयर केस गाइस। देखते हैं यहाँ पे क्या हैशटैग के बंदे पूरे के पूरे बंदे बच जाते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो एरियाज के बंदे धीरे धीरे जोन के अंदर आते हुए हम लोग को दिख चुके हैं। एंड भाई ऑन टॉप के बंदे जो नॉक हुए पड़े थे वो फुल बूम बाम करते हम लोग को देखने वाले हैं बहुत जल्दी। ऑन टॉप के बंदे फिलहाल के लिए यहाँ पे ओके खेल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इनके पास में मेरे को लग रहा है कि जोन नहीं है, बट एरियाज के बंदे बहुत ही तगड़े खेलते हुए हम लोग को दिख रही है। तो ये फाइट बहुत ही अच्छी होने वाली है ऑन टॉप वर्सेस की एरियाज। देखते हैं यहाँ पे कितने जल्दी ये लोग फाइट लेने वाले हैं एक दूसरे के साथ में। बट ऑन टॉप के सामने अभी टीम हैशटैग भी है, रॉक्स भी अभी तक बाकी है, ऑल्सो FSM के बंदे भी जिंदा है। रॉक्स के सामने अभी टीम FSM आने वाली है। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। रॉक्स यहाँ पे आगे बढ़ते हम लोग को दिख चुके हैं। एंड भाई मेरे को लग रहा है कि इनके ऊपर अटैक्स आने वाले हैं। ऑफकोर्स इनके ऊपर अटैक्स आएंगे बिकॉज ही इज नॉट इन द जोन, ऑल्सो वो बाहर है जोन के। एंड भाई ये फिनिश ऑफ होते हुए रॉक्स हम लोग को दिख रहे हैं। FSM के बंदे स्मोक के कवर में आराम से बैठ चुके हैं। बहुत ही ओपी सा यहाँ पे दिमाग लगा लिया है टीम हैशटैग ने। अगर देखा जाए तो दे आर वेटिंग ताकि जोन कहीं और शिफ्ट हो जाए। एंड दे विल टेक द जोन फर्स्ट बिकॉज हैशटैग का यही पॉलिसी रहता है एंड यही स्ट्रेटजी रहता है। देखते हैं यहाँ पे टीम हैशटैग क्या करने वाली है। फिलहाल अगर देखा जाए यहाँ पे FSM एंड टीम इरेज आर फाइटिंग विद ईच अदर। एंड मेरे को लग रहा है कि गाइस यहाँ पे लक्ष्य ने राइजर को नॉक कर लिया है। लक्ष्य ने कॉल नॉक उठा लिया है अपनी टीम के लिए। वहीं पे पीछे से ऑन टॉप के बायोनिक ने राइजर का किल ले लिया है। लक्ष्य को वो वाला किल नहीं मिलेगा, बट टीम इरेज का अकेला बंदा बाकी है। ऑन टॉप के बंदे आराम से यहाँ पे धीरे धीरे जोन के अंदर प्रोसीड कर सकते हैं। वहीं पे FSM के बंदों ने प्रोसीड करना चालू कर लिया है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्मोक का कवर आते हुए, स्मोक के कवर के अंदर से यहाँ पे कैमोफ्लेज होके यहाँ पे बंदर जाने वाले हैं आगे। देखते हैं यहाँ पे टीम FSM कैसे निकलने वाले हैं। वहीं पे बदमाश यहाँ पे बहुत ही बोल्ड मूव करते हुए ऑन टॉप के बंदों ने उनकी मूव को पकड़ लिया। एंड मे बी ऑन टॉप के बंदे अभी उनके ऊपर प्रोसीड करेंगे अटैक करने के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या होना है। पीछे से इनको सपोर्ट देने के लिए दो बंदे ऑलरेडी है जो कि है बेस्ट गन पावर वाले, जैसे कि हम लोग बोल रहे थे पहले भी, स्टोनर एंड मॉडर्स। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है स्टोनर एंड मॉडर्स के साथ में। ऑल्सो बदमाश यहाँ पे ओपी सा कवर बना रहे हैं अपनी टीम के लिए। धीरे धीरे यहाँ पे अंदर आते हुए हम लोग को दिख चुके हैं। एंड भाई हेडशॉट जो है राइट नाउ ही इज इन द राइट स्पॉट। अगर कोई एक बंदा हैशटैग का गलती करेगा तो यहाँ पे हिट ले सकते हैं हैशटैग के बंदे, बट हैशटैग के बंदे मेरे को लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ होगा। देखते देखते यहाँ पे बदमाश ने बहुत ही तगड़ा नॉक निकाला अपने टीम के लिए। FSM के हेडशॉट की गलती उनको भारी पड़ चुकी है। एंड भाई टीम हैशटैग के बदमाश यहाँ पे ओपी से खेलते हैं। मॉडर्स के ऊपर यहाँ पे मॉली आ चुका है। मॉडर्स यहाँ पे मे बी नॉक हो सकते हैं शायद से। मॉडर्स यहाँ पे अटैक कर रहे हैं बंदों के ऊपर। टीम ऑन टॉप यहाँ पे अटैक कर रही है। भाई FSM को छोड़ दिया है। नाउ दिस टीम द फाइटिंग बिटवीन ईच अदर। मेरे को लग रहा है कि ऑन टॉप के बंदे मे भी यहाँ पे तकलीफ में आ सकते हैं बिकॉज दे आर ऑन हायर ग्राउंड। एंड ऑल्सो वहाँ पे जोन धीरे धीरे बंद होता जा रहा है और नेट्स आते हैं। एंड भाई बंदे ने फोड़ दिया है। मॉडर्स ने सिंगल हैंडेड लिया टीम ऑन टॉप को पकड़ लिया है। नाउ टीम हैशटैग वर्सेस टीम FSM होने वाला है जो कि बहुत देर नहीं बचने वाला है। मॉली ऑलरेडी आ चुके हैं। एंड भाई डैमेज देना ऑलरेडी चालू हो चुका है। नेट जाता हुआ यहाँ पे बदमाश क्या होने वाला है। बदमाश के साथ में फूट चुका है बदमाश के ऊपर नेट, बट टीम हैशटैग ने यहाँ पे ले लिया है ये वाली विन। बहुत ही तगड़ी खेलती हुई टीम हैशटैग अलॉन्ग विद अप्रॉक्सिमेटली 11 किल्स यहाँ पे लेती हुई। बहुत ही तगड़ा खेलती हुई टीम FSM ऑलरेडी जोन के अंदर पहुंच गई थी, बट हैशटैग ने अपना वे बना दिया जोन के अंदर और डायरेक्टली यहाँ पे ले लिया है। बहुत ही अच्छा चिकन डिनर इन दिस मैच। तो गाइस यहाँ पे टीम हैशटैग बहुत ही ओपी से खेलती हुई हम लोग को दिख चुकी है। ओके गाइस तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे कमेंट्स पढ़ते हैं गाइस। चलिए थोड़ा सा म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर देते हैं एंड पढ़ लेते हैं कमेंट। शॉर्टी लड़की है ब्रो। ओ ओके ब्रो शॉर्टी लड़की है, नोटेड। निकिता डिसोजा थैंक यू सो मच फॉर द $5 Canadian। यू आर नंबर वन। आ ये थैंक यू सो मच फॉर द $5 Canadian। और अरे सर गेमिंग YT T1 भी क्लोज। अरे कुछ भी ब्रो T1 फिर ये क्या चल रहा है, T10 चल रहा है। ठीक है फिर भाई मेरे भाई, T1 भी क्लोज या T10 चल रहा है, बस मजे करो। क्राइसलर अंड्रांडिस ज्यूस ओपी। क्राइसलर ओपी
और गाइस आपके पास में अगर कोई और ऑप्शन रहेगा आपको अगर आना है यहाँ पे खेलने के लिए, तो सिंपल सी बात है, प्लीज 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 यार गाइस ऐसे डायरेक्टली स्लॉट के लिए मत पूछा करो, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली स्लॉट नहीं देख सकते हैं। पहली बात तो आप लोगों को अचीवमेंट देने पड़ेंगे ऑफकोर्स, नहीं फिर भाई वो लेवल का कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा आपके पास में अचीवमेंट है। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी मनी है कि नहीं गाइस, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी मनी, सिंपल सी बात है। बस आप लोग अपने अचीवमेंट जो है उसको सॉलिड प्रूफ दे दो, डायरेक्टली वेरीफाई हो जाएंगे अचीवमेंट और आपको सीधा ले लिया जाएगा, आपको स्लॉट तो मिलेगा मिलेगा ऑफकोर्स। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे टीम एम ई सी ऑफिशियल जो जो हमारे T2 में खेल रहे थे, आज वो हमारे T1 में खेल रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर हार्डवर्क। डायरेक्टली T1 का स्लॉट उन्होंने नहीं मांगा, ये सब कुछ मांगा था, बट वी टोल्ड देम दैट आपके पास में प्रॉपर अचीवमेंट नहीं है, वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए T2 में फाइव डेज में टीम चिकन लेके आइए, आपको डायरेक्टली स्लॉट मिल जाएगा। एंड उन्होंने वो प्रूव किया कि दे आर गुड फॉर दिस लॉबी, इसके लिए आज टीम एम ई सी ऑफिशियल मैक ऑफिशियल्स खेल रही है T1 में, उनको स्लॉट दिया है 1 वीक का। एंड 1 वीक का स्लॉट देने के बाद में उनको ये भी बोला है कि भाई फुल बूम बाम करो तभी मिलेगा, बंद क्यों हो रहे हैं T2 एंड T3। भाई T2 एंड T3 के बंदे ना उतने हमें सीरियस नहीं लगते हैं, टाइम पास के लिए खेलते हैं, आते हैं भाई चले जाते हैं, तो उससे अच्छा है भाई हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें एंड विल मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन T1 पीपल जो लोग की सीरियस होते हैं। सिंपल सी बात है ना मेरे भाई, RXR गेमिंग देखो अगर बंदे सीरियस नहीं है तो ऐसे ही करते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं, ऐसा होता है वो होता है, रजिस्टर करते हैं नहीं आते, तो द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज डायरेक्टली भाई उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो जो लोग डिजर्व करते हैं खेलने के लिए, जो लोग प्रॉपर भाई यू नो सीरियस है ये सब चीज़ के बारे में। बस इसी के लिए T2 और T3 बंद कर दिया। T2 के अपने कस्टम अपने ओपन कस्टम्स होंगे ना यार, टाइम पास ही करना है तो ओपन कस्टम में आ जाओ यार, 1-3 लूटे फुल बूम बम, 1 से लेकर 4 बजे तक फुल मजा करेगा, मजा आने वाला है गाइस दोपहर को 1 से लेकर 4 बजे तक ओपन कस्टम होने वाले हैं। अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो जरूर बताइएगा, हमारा व्हाट्सएप के ग्रुप है जिसमें हम लोग आईडी पासवर्ड भेजते हैं, एंड ऑल ऑफ यू गाइस कैन जॉइन इन फॉर फन कस्टम फ्रॉम 1:00 to 4 PM इन द इवनिंग, फुल बूम बम होने वाला है। अगर उसमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वी विल स्टॉप द कस्टम भाई, इससे अच्छा तो भाई हम हमारा कार्ड कहीं और यूज़ करें, जो एडवांस कार्ड है वो कहीं और यूज़ करें एंड उन बंदों के लिए रूम्स बनाए जो बंदे T1s यू नो क्या कर रहे हैं, जो T1s ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड भाई जिनके पास में बंदे सच में आते हैं खेलने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो उन बंदों के लिए हम लोग 1-3 कस्टम रूम बना देंगे, सिंपल सी बात है। ऑल्सो गाइज सो विल बी राइट बैक आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक, 11 बजे हम लोग आने वाले हैं वापस, तब तक के लिए आईडी पासवर्ड विल बी शेयर्ड ऑन आर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसने रजिस्टर किया है उनको ही मिलने वाला है, सो प्लीज डोंट आस्क फॉर आईडी पासवर्ड बिकॉज दिस इज अ इनवाइटेड T1 कस्टम्स, हम भी सीरियस ही खेलते थे ब्रो, मुझे पता है यार RXR आई नो HH ओरिजिन्स में, मुझे पता है कि आप लोग भी सीरियस खेलते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक टीम है, उसके बाद में IGT है, उसके बाद में KSR है, ये सब टीम जो है वो अच्छे खेलते थे, बट 4 टीम में हम लोग T2 नहीं होल्ड कर सकते ना मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब वो है। आई नो कि आप लोग सीरियस खेल रहे हैं, मैं एक काम करूँगा आपके लिए कोई अच्छे कस्टम्स ढूंढ के दे दूँगा T2 के एंड T3 के, बट आई होप कि भाई फुल बूम बाम हो जाएगा, आई होप यार। देखो डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, 4 टीम्स में क्या करेंगे भाई कस्टम्स, इससे अच्छा तो भाई हम ओपन कस्टम्स कर लेते हैं, बंदे आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो विल स्टॉप मेकिंग रूम, सिंपल सी बात है। तो बस यही है, प्लीज डोंट होल्ड एनी ग्रजेस की गाइज, हम लोग को नहीं दिया स्लॉट, हम लोग को ये नहीं किया, हमारा सिंपल सा फंडा ये है कि भाई जो डिजर्विंग बंदे हैं उन लोग को स्लॉट मिलने वाला है डायरेक्टली, यहाँ पे कोई किसी के इन्फ्लुएंस के ऊपर आएगा और इसको स्लॉट चाहिए उसको स्लॉट चाहिए, तो भाई कोई भी कितना भी बंदा बड़ा हो हम लोग सीधा मांगने वाले हैं भाई अचीवमेंट्स। तो गाइस DM करने के पहले अचीवमेंट्स डायरेक्टली DM करो, विच विल बी अ वेरी गुड यू नो पॉइंट, सो दैट यू कैन प्रूफ FTD कब लाइव करोगे। अरे मेरे भाई FTD तो अपने भाई है यार, FTD का ऑलरेडी लाइव चल रहा है ब्रो, ऑलरेडी लाइव चल रहा है उनका, आई गेस हमजा ऑलरेडी सेंड करता है ग्रुप के अंदर, FTD तो भाई अपना जान है यार, हमजा और अपना DMR जैगुआर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसमें कोई शक नहीं है अगर देखा जाए तो। FTD लाइव करेंगे विल ट्राई यार, 9 बजे का यार नहीं जमता है इसके लिए, फिर हम 9 बजे नहीं करते थे तो फिर हमारे कस्टम भी 9 बजे होने वाले थे, बट 9 बजे का नहीं जमता यार, 10 और 11 का टाइमिंग हमारे लिए जमता है, इसके लिए हम लोग 10 और 11 का करते हैं और कोई ये नहीं है यार, मतलब आई होप कि यू गाइस कैन अंडरस्टैंड यार, आई नो कि थोड़ा ऑड टाइमिंग है 10 बजे का एंड 11 बजे का, नॉर्मली से कस्टम नहीं होते, थोड़ा ऑड टाइमिंग है बट आई कैन नॉट हेल्प इट यार, और क्या ही बोले भाई FTD
एफडी यहाँ क्यों लाइव करेंगे? ओके तो यहाँ पे गाइस सीन ये है कि एफडी के कस्टम जो है वो चल रहे हैं 9 बजे एंड 10 बजे. ओके और उनका ऑलरेडी एक लाइव उनका चलता है लाइव, ऐसा नहीं कि लाइव नहीं चलता है, उनका लाइव चलता है यार. आई होप कि अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो प्लीज़ डू डी एम एस, मैं ज़रूर आपको एफ डी के ओनर का नंबर भेज दूंगा. फिलहाल के लिए एफ डी के कस्टम नहीं चल रहे हैं, डी एम आर के चल रहे हैं जिनको मैनेज कर रहे हैं एफ डी के ओनर जो कि है हमजा. एंड अगर आपको उनका लाइव का लिंक चाहिए तो आई विल ट्राई टू शेयर द लिंक, क्योंकि वो हमारे ग्रुप में आता रहता है. तो ज़रूर मेरे को डी एम करिएगा, मैं भेज दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है. और यार एक और बात, KOD स्पोर्ट्स ने नया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो फटाफट जाके KOD के जो इंस्टा पेज है उसके ऊपर जाके देखिए, उनका डिस्कॉर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन होने वाला है, जल्दी जाइए. दे हैव मर्ज्ड विथ अपथ्रस्ट, उनका कोलैबोरेशन हो चुका है एंड उनका एक अच्छा खासा टूर्नामेंट आने वाला है. अगर वंश मेरे भाई तुम देख रहे हो तो प्लीज़ DM करो यार, आपका लिंक चाहिए जिसके ऊपर से हम लोग सेंड करें ग्रुप्स में और बंदे भाई आके रजिस्टर करें. आई नो कि भाई बड़ा ऑर्गे, बट देन टू वी वॉन्ट ऑल द गुड प्लेयर्स टू प्ले इन योर यू नो टूर्नामेंट, और क्या ही बताया मेरे भाई. तो गाइस KOD अगर आपको हो सके तो अपथ्रश के पेजेस के ऊपर जाइए. आई गेस अपथ्रश का इंस्टा हैंडल के ऊपर है ऑलरेडी, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. मैं इतना फॉलो नहीं किया हूँ, आई मीन उनका इंस्टा फॉलो किया है बट उनके एवरीडे पोस्ट में फॉलो नहीं करता हूँ. मैं KOD वंश के साथ में बात करके आप लोगों को लिंक जरूर प्रोवाइड करूंगा. द ओनली प्रॉब्लम इज कि मैं आपको स्ट्रीम के ऊपर लिंक नहीं दे सकता हूँ, आपको हमारे ग्रुप्स में ऐड होना पड़ेगा जो कि हमारा प्रोमो गुड प्रोमो ग्रुप GNR का प्रोमो ग्रुप जो है उसके ऊपर आपको ऐड होना पड़ेगा और उसके ऊपर हम लोग शेयर करेंगे ऑफकोर्स. तो चलिए गाइस आई विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं एंड आते हैं वापस से बूम माम करने के लिए. तब तक के लिए फटाफट जाके एक छोटा सा ब्रेक लेके आ जाओ.
आ चुका हूँ वापस। जी हाँ जी हाँ, क्या खाया अगर पूछोगे तो मैंने पिज्जा नहीं खाया है, लेज खाया भाई। वो पिज्जा सिर्फ नाम के लिए रखा हूँ ताकि मेरे भाई पेट को ना एक सेटिस्फेक्शन मिले कि भाई हाँ ठीक है पिज्जा खाया। और बाकी बात कर ले बंदों की तो बंदे यहाँ पे आ चुके हैं, स्लॉट 2, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सब स्लॉट ऑलमोस्ट भर चुके हैं, बंदे आने वाले हैं। 2 मिनट लास्ट हमने दिया है, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। और एक और चीज आप लोगों को गाइस बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अगेन एंड अगेन गाइस, आई लव यू ऑल, वी लव यू ऑल, और ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। हम जरूर जरूर जो टूर्नामेंट का हमने घोषणा किया था उसको लेके आएंगे। ये सब कोश ऑफकोर्स आपको बोलूँ तो स्पॉन्सर रेडी है, बट वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, बिकॉज यहाँ पे एक के पीछे एक सबके टूर्नामेंट्स हुए जा रहे हैं, तो मे बी यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग हो सकता है। स्लॉट नंबर 5 देखो तो यहाँ पे 70 के बंदे हम लोग को दिख रहे हैं। आई गेस यहाँ पे टेंट का जो स्लॉट है उसमें बैठ चुके हैं 7 डायरेक्शंस के बंदे, एंड फुल बूम बाम होने वाला है स्लॉट नंबर 5 का भी। देखते हैं यहाँ पे टेंट ई-स्पोर्ट्स के यहाँ पे टोनी एक्स खेल रहे हैं, टेल्ट ऑनिक्स, अरे भाई उल्टा बोल दिया, टेल्ट ऑनिक्स यहाँ पे आज खेल रहे हैं। टेल्ट ऑनिक्स ने अपने 3 साथियों को बुला लिया है, फुल बुमबाम करने वाले हैं, एंड भाई टाइम हो चुका है, हम लोग करने वाले हैं चालू, सब कुछ चेक कर लेते हैं एंड करने वाले हैं भाई चालू। डाकू मेरे भाई टाटा, आपने मैप डाउनलोड नहीं किया, सॉरी ब्रदर। कर दिया है चालू गाइस, देखते हैं यहाँ पे भाई ये इतना टाइम क्यों ले रहा है भाई, पबजी अभी टट्टी हो रहा है क्या, क्या हो रहा है भाई पबजी के साथ में भाई।
आपको समझ में नहीं आ रहा है ब्रो, पबजी को क्या हो चुका है यहाँ पे। म्यूजिक को कर लेते हैं बंद क्योंकि हम बाद में भूल जाते हैं म्यूजिक को बंद करने के लिए। एंड अगर आप लोगों को बता दूं गाइस यहाँ पे क्या चल रहा है, तो ये चल रहा है हमारे T1 के इलाइट कस्टम्स, और जिसमें खेल रही है बहुत अच्छी वाली टीम्स। अगर आप बोले तो ये T1 नहीं है, अगर आप लोगों को लग रहा है T1 नहीं है तो ठीक है भाई, T10 है, उसको T10 ही मान लो भाई, मजे करो भाई। आप लोग को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको वो बोलो, बट यहाँ पे बहुत ही तगड़े बंदे खेल रहे हैं। अगर इनको आप किसी और बंदों के सामने खिलाएंगे तो भाई वो बंदे पेलेंगे, ये भाई ये जो बंदे हैं ना ये भाई गंदा सा पेलेंगे सामने वाले बंदों को, ठीक है। तो पहली बात ये, सेकेंड बात आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग किसी के पास में से स्लॉट्स के लिए पैसे नहीं लेते हैं, वी डोंट एंटरटेन इट, और हम लोग कभी लेने वाले नहीं है। तो T1 में अगर आप लोगों को पार्ट लेना है तो आप लोग सीधा अचीवमेंट भेजिए भाई, वेट मत कीजिए। T1 के अचीवमेंट्स आप लोगों को पता है, अगर आप लोग प्रॉपर T1 खेलते हैं तो आपको पता है कि एग्जैक्टली T1 के अचीवमेंट्स क्या होने वाले हैं, विच आर ऑफिशियल अचीवमेंट्स अलॉन्ग विद गुड स्ट्रीम लिंक, ओके। सो स्ट्रॉन्ग का लिंक अगर आप ESL खेल रहे हैं तो, अगर आपने PMIS PMIT PMCC ऐसे कुछ खेला रहेगा तो उसका प्रॉपर मेल का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो हमको चाहिए। एंड जो बंदा जिसके पास में प्रॉपर मेल आया है वो बंदे को हम लोग मेल करेंगे, और उसके ऊपर से हम लोग को रिप्लाई आएगा, तभी हम लोग आप लोगों को स्लॉट दे पाएंगे। दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर राइट नाउ एट दिस मोमेंट, अगर आप लोग को हमारे कस्टम में खेलना है तो। अगर नहीं खेलना, थैंक यू सो मच, आप लोग देख सकते हैं एंड भाई मजे कर सकते हैं। यू गाइज कैन बी एंटरटेन, यू नो यू गाइज कैन बी एंटरटेन विथ आर कॉमेंट्री भाई, आप लोग मजे करिए। और क्या ही बोले और क्या ही बोले, अगर आप लोगों को एंटरटेनिंग नहीं लग रही है हमारे कमेंट में तो भाई फटाफट अनसब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए। एंड भाई एक और बंदे को शेयर करिए हमारा YouTube चैनल, ताकि उन लोगों को मालूम पड़े, उन लोग डिसाइड कर पाए कि भाई इस बंदे की कमेंट्री जो है वो अच्छी है या नहीं। दैट विल डिपेंड अपॉन द ऑडियंस, बट हम लोग बंद नहीं करने वाले हैं, हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे ऐसे ही आप लोगों को एंटर करने के लिए। फ्लाइट पास देखा जाए तो यहाँ पर जा रहा है, विच इज़ गोइंग ऑन अ डायरेक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली ईस्ट, अगर बात की जाए तो, ठीक है। बंदे यहाँ पे उतरने चालू हो चुके हैं इम्पाला की तरफ में, यहाँ पे और के बंदे जरूर बढ़ने वाले हैं, जैसे कि इन लोगों का नॉर्मल ड्रॉप है। देखते हैं यहाँ पे बाकी बंदे कहाँ पे उतरने वाले हैं। GNR के बंदे अगर देखा जाए तो पिकाड़ो की तरफ जाते हैं, बट पिकाड़ो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को लग रहा है कि ज़्यादा ही भाई ट्रैफिक वाला हो चुका है भाई, देर इज़ लॉट ऑफ ट्रैफिक विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स पिकाड़ो है ना। हम लोग उतर चुके हैं यहाँ पे, टीम 21 भी उतर चुकी है, इनके साथ में भाई एक और टीम उतर चुकी है, एक नहीं एक्चुअली अगर देखा जाए तो दो और टीम्स यहाँ पे उतर चुकी है। बास के बंदे भी यहाँ पे पिकाड़ो में, वहीं पे देखा जाए तो भाई नैस्टी ने एक बंदे को नॉक कर दिया है भाई, नैस्टी उनको फिनिश ऑफ करेंगे, ऑफकोर्स उनको फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। और देखते देखते यहाँ पे हाइपर आरिश भी नॉक हो जाते हैं, हाइपर आरिश हम लोग को अभी तक दिख रहे हैं ऐसे कि भाई ये चल रहे हैं, बट ये गाइस नॉक हो चुके हैं। ये है ग्लिच, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिच, और आरिश यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, इनको पीना चालू हो चुका है भाई। नैस्टी वहाँ पे मॉली से नॉक नैस्टी मॉली से नॉक, और नैस्टी हो चुके हैं खत्म, बूम बाम कर दिया पीछे से वहाँ पे मॉली डाल के। शकुनी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे गेंजी गत्सी क्रू के जो गेंजी है ये यहाँ पे आ चुके थे अपने दोस्त को बचाने के लिए, बट उनका दोस्त नहीं सर्वाइव कर पाया नैस्टी के सामने, वहीं पे नैस्टी को किल करके इन्होंने बदला ले लिया। एंड शकुनी भी अभी यहाँ पे आ चुके हैं, तो 1v1 का फाइट बहुत ही जल्दी होने वाला है। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वहीं पे कार नहीं वो देख लिया हम लोगों ने क्या हो गया, यहाँ पे गेंजी को पिक ऑफ कर लिया गया है भाई शकुनी। शकुनी यहाँ पे फुल फिनिश करेंगे भाई, शकुनी वेट नहीं करेंगे क्योंकि उनका साथी भी वहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुका है। ईरेस के बंदों को देखा जाए तो ईरेस के बंदे फुल बूम बाम करते हम लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे भाई, आराम से लूट रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल अगर देखा जाए तो गाइस ये मैप के अंदर देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु यूजेस टपा टप वाले बंदूक, तो देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है। उन्होंने SKS मिनी एंड MK बहुत सारे यहाँ पे ऐसे बंदे हैं जो लोग यहाँ पे टपा टप की बंदूक यूज करना चाह यू नो टपा टप की गन्स यूज करना पसंद करते हैं। देखते हैं एग्जैक्टली क्या खास है ये वाले मैप में, मीरामार के अंदर बहुत सारे बंदे ये वाले गन्स क्यों यूज करते हैं, अगर आप लोगों को पता रहेगा तो जरूर हमें बताइएगा। एक तो इनके पास में रहती है भाई एक ना एक तो टपाटप वाली बंदूक रहेगी, जैसे कि हम लोग हेक्टर को देख रहे हैं। यहाँ पे स्विच कर लेते हैं, देखिएगा इस यहाँ पे भी सेम चल रहा है, यहाँ पे काकारुत को स्विच करेंगे तो इनके पास में भी वही गन भाई 1.6, और भाई हाइड्रॉस के पास में भी यहाँ पे गन सिलेक्ट करने का जो लोडआउट सिलेक्ट करने का जो है सीन, मेरे को लग रहा है कि सब बंदों को ऑलमोस्ट पता ही चल चुका है क्योंकि ये लोग रोज खेलते हैं और इन लोगों को पता है कि भाई द बेस्ट गन टू सिलेक्ट हेयर इज अ टपाटप वाली गन। देखते हैं यहाँ पे बास के बंदों के ऊपर नजर जरूर रखी गई है, बट बास के बंदे जो है वो आराम से वेट करेंगे। ओहो ज्यूस ओपी, आपकी कॉमेंट्री भी ओपी, वी आर विद यू, थैंक यू सो मच निकिता डिसोजा अगेन फॉर द कैनेडियन $5, और इसको देने की जरूरत नहीं थी, बट थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड देखा जाए तो यहाँ पे जे आर के बंदे जो क्यूमा केरा में उतरे हैं, इनके नजदीक पे भी यहाँ पे बंदे आ चुके हैं भाई। FNC के स्काउट ने एक बंदे को नॉक करा दिया भाई, ये है ईरेस के बंदे, ईरेस के भाई एंग एंग
भाई एंग नॉट ओपी आई गेस, एंग नॉट ओपी जो है वो नॉक हो चुके हैं। और देखते हैं कि मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे भाई हम लोग देख रहे हैं टीम नंबर 13 को, टीम नंबर 13 भी तगड़ी मारने की कोशिश कर रही है। हम लोगों को लग रहा है कि टीम नंबर 13 भी यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले। आज ही स्पोर्ट्स के बंदे जो है वो आराम से वेट करें। एंड रैकिंग क्रू के सिक बॉय आज खेल रहे हैं टीम नंबर 13 की तरफ से, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। टपाटप दिए जा रहे हैं भाई थापा को यहाँ पे, भाई एक साइड में पकड़ लिया एंड भाई ये क्लॉक एक ने भाई पेल दिया टीएसएम को। मेरे को देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या चलता है वहीं पे। अगर देखा जाए तो स्लॉट नंबर 17 एफएसएम के बंदे भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। मैं एफएसएम के बंदे में हिट करने वाले पेगासस ने वहाँ पे अच्छा खासा नॉक निकाल लिया अपनी टीम के लिए। एंड पेगासस शायद से फंस सकते हैं बिकॉज इनके नजदीक में कोई नहीं है। पेगासस की तरफ जाते हैं, पेगासस अकेले होल्ड किए जा रहे हैं। तीन में से एक बंदे को यहाँ पे पिक ऑफ कर लिया गया है। एंड भाई देखते देखते तीन नंबर 19 तकलीफ में आ चुकी है, देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करना। कर्मा यहाँ पे धीरे धीरे रशिंग करते हुए हम लोग को दिख रहे हैं। कर्मा को यहाँ पे पिकअप कर सकते हैं बंदे, बट कर्मा को सपोर्ट भी दिया जाएगा। फैल्कन के ऊपर स्पॉट कर लिया था, पर फैल्कन यहाँ पे बचते हुए हम लोग को दिख रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। अपना पैसा अपने पास, चिल मारो आइए। क्लॉक के एक को वहां पे पिकअप कर लिया गया है गाइस। क्लॉक के एक भी पिकअप होते हुए हम लोग को दिख रहे हैं, मतलब क्लॉ स्पोर्ट्स के ऊपर आ चुका है यहाँ पे आतंक। और ये भाई किसका आतंक है भाई, नहीं इन्होंने रिटेलिएट कर लिया है भाई, सीधा सीधा एक के पीछे एक बंदों को मारना चालू कर दिया है यहाँ पे। क्लॉ स्पोर्ट्स के बंदे भी भाई बहुत ही लंबे खेलते हैं हमको दिख रहे हैं। एंड भाई अगर देखा जाए तो एमटीएफ के फिनिक्स जो है वो भी हिट कर रहे हैं, स्लॉट नंबर 15 में आज बैठे हैं एमटीएफ ई-स्पोर्ट्स। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे तकलीफ वाली बातें होने वाली है बिकॉज यहाँ पे भाई अगर देखा जाए तो सस्ता हैक जो है वो फंस चुका है। और बट इनको बचाने के लिए गॉड किल भी है यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए। एंड मे बी कुछ हो सकता है। फिनिक्स को पता है कि वहाँ पे गॉड के लिए स्पॉट किया जाएगा यहाँ पे। आई नॉक करते हुए हम लोग को देख चुके हैं फिनिक्स बहुत ही तगड़ा यहाँ पे टपा टप वाला फायर देते हुए विद अ सिक्स सेंस, बहुत ही अच्छा फायर देते हुए बंदा यहाँ पे आ रहा है। सच्चे हैक को यहाँ पे भाई मार दिया एक और बंदे को विद 1684, तगड़ा खेलते हुए भाई ये बंदा एम टी एफ स्पोर्ट्स का भाई बहुत ही ओपी खेलते हुए हम लोग को दिख चुका है। एंड भाई अकेला बंदा बाकी है जो कि एम मैग्नेट, एंड भाई इसको फिनिश ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। सस्ता हैक को यहाँ पे फिनिश ऑफ करके प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है एम मैग्नेट को। देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या ये आगे बढ़ पाएगा भाई। हॉक यहाँ पे नॉक पड़ा है, सुदू यहाँ पे आगे आते हुए। एंड भाई एक और बंदा इनका आगे आता हुआ मार्चिनो ने भाई बचा लिया, मार्चिनो ने यहाँ पे अपने साथी को बचा लिया है भाई हॉक को। एंड यहाँ पे खत्म कर दिया है क्लॉ स्पोर्ट्स के बंदों को। वहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे चेना के शकुनी ने भी अच्छा खासा यहाँ पे ले लिया है बंदों के ऊपर, यहाँ पे थम्स अप मारते देख चुके हैं। एंड भाई ये नॉक दे दिया एक और बंदे को, इनको फिनिश ऑफ करेंगे मेरिट के बंदों को। और देखते देखते मेरे को लगा कि यहाँ पे टीम जेना की टीम जो है वो तगड़ी फाइट ले रही है। आज यहाँ पे अकेले फाइट ले रहे हैं दो बंदों के साथ में, मे भी आज को यहाँ पे टमाटर वाली बंदूक लेनी है आज के। सो यहाँ पे आज ने जब कर लिया है, आज के ऊपर अटैक्स आ रहे हैं हर जगह से, टपाटप यहाँ मारते हुए आज ने मार ही दिया था डूड ओपी को, खत्म कर दिया है ना। आज फाइनली बच जाते हैं, शकुनी ने वहां पे बहुत ही ओपी सा यहाँ पे कवर फायर देते हुए आज को बचा लिया है। दो बंदे यहाँ पे बहुत ही ओपी खेलते हुए जीएनआर के, बहुत ही तगड़ा फाइट चल रहा था। हाइड्रॉस वहाँ पे नॉक हो चुके हैं। एंड भाई हम लोग देख रहे हैं एंग नॉट ओपी यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। और टीम नंबर 13 देखते हैं, टीम नंबर 13 के बंदे क्या कर रहे हैं। एक और बंदा यहाँ पे इनका नॉक हो चुका है जो कि थापा। एंड भाई इनका एक बंदा मर चुका है, थापा यहाँ पे डेड हो चुका है। एंड मैं बंदे धीरे धीरे इनके नजदीक में आते हुए दिख रहे हैं भाई एंग नॉट ओपी के ऊपर यहाँ पे अटैक आ चुके हैं। मैं इनको पता है कि यहाँ पे इनको होल्ड करना पड़ेगा या कवर में जाके फिर हिट लेना पड़ेगा, देखते हैं क्या होने वाला है। डोर बंद कर दिया, इनको पता है कि भाई इनके ऊपर अभी नेट्स के बरसात होने वाली है। और देखते ही देखते भाई बंदे यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हैं भाई। एंग नॉट ओपी ने मौलिक को कर लिया नेट यहाँ पे आता हुआ, एंग नॉट ओपी की हेल्थ बहुत ही लो। एंग के ऊपर एक और बंदा आ चुका है एंड भाई इसने मारने की कोशिश कर दी पर नहीं मार पाया। महात्मा गांधी ने वहां पे भाई अहिंसा को इस्तेमाल करते हुए पेल दिया इनको। बास के बंदों को देखा जाए तो बास के बंदे यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और टीम नंबर 13 देखते ही देखते मेरे को लगा कि बास के बंदे भी यहाँ पे एक के पीछे एक हिट करने वाले हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। बंदों के ऊपर अटैक आ चुके हैं भाई, हेक्टर ऑलमोस्ट बच चुके थे भाई, हेक्टर के ऊपर अटैक जरूर डाल दिया था। एक और बंदा काकरोच जो है वो स्काउट ओपी के नजदीक में, वो पीपी के नजदीक में है, देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। काकरोच के ऊपर मॉली आते हुए एंड भाई काकरोच को यहाँ पे पिकअप कर लिया गया है स्काउट ओपी की तरह जगह पे, यहाँ पे सिख बॉय कवर देने चले गए और भाई सिख बॉय को पिकअप कर लिया, मोस्ट कवर डाल दिए है। डेविल वहां पे होल्ड ऑफ कर रहा है दो प्लेयर्स को यहाँ पे। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे भाई कियारा जो है वो जाके काकरोच को सेव करेंगे जी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे काकरोच को सेव कर लिया। एंड डेविल वहाँ पे पिक ऑफ होते हुए हम लोग को दिख चुके हैं। को लग रहा है टीम नंबर 13 यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आती हुई आगे बढ़ती हुई यहाँ पे दिख चुकी है। एंड टीम बास के ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, स्काउट ओपीपी हिट दे दिया है, एक और बंदे को नॉक करने की कोशिश कर रही है, स्काउट ओपीपी फेल हो चुके हैं यहाँ पे अपने इसमें। सिख बॉय को पिकअप कर लिया हेडर ने बहुत ही ओपीसी खेलते हुए यहाँ पे, एक और बंदे को यहाँ पे पिकअप करेंगे।
एंड बचाएंगे। देखते हैं यहाँ पे एक दिन क्या सीन होने वाला है। स्काउट ओपीपी की तरफ यहाँ पे प्लेयर वन बढ़ते हुए अपने दोस्त को यहाँ पे रैप दे देंगे जरूर, बट टीम बास के ऊपर यहाँ पे तकलीफें बढ़ती हुई हम लोग को दिख चुकी है। सिख बॉय वहाँ पे पीछे धीरे धीरे जाते हुए हम लोग को दिख गए, एंड सिख बॉय को भी यहाँ पे रैप दिया जाएगा। स्काउट ओपीपी एक गलत सिचुएशन में चले गए थे, बट उनको यहाँ पे पिक ऑफ कर लिया गया है। एंड भाई हेक्टर जो ऊपर में चले गए उनको वापस से पिक ऑफ कर लिया गया है बाय प्लेयर वन। एंड भाई बंदे यहाँ पे आगे बढ़ते हुए स्काउट ओपीपी ने यहाँ पे हिट दे दिया था ने कि हम एक और बंदे को डाउन दे दिया है भाई ऊपर से जंप करके किएरा बहुत ही तगड़ा खेलते हुए भाई ये बंदा। बट फाइनली यहाँ पे टीम नंबर 13 के बंदों ने इनको फिनिश ऑफ कर दिया। स्काउट ओपीपी को शायद मेरे को लग रहा है कि ये बंदा लेके चला गया बहुत ही ओपी खेलते हुए। आरआईपी का किएरा वहीं पे शकुनी ने स्पॉट कर लिया, शकुनी भी इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या स्मोक के अंदर से इनको स्पॉट कर लिया है प्लेयर वन को। जी नहीं आई डोंट थिंक सो, यहाँ पे महात्मा का जो स्पॉट जरूर किया था, इनको डैमेज दिया है बट डैमेज दे के नहीं कुछ कर पाएंगे। आज किसी और के ऊपर अटैक कर रहे हैं आई गेस ये टीम बॉम्बर है, एंड बॉम्बर के नजदीक आने का भी यहाँ पे आशंका हो सकता है। आज के ऊपर यहाँ पे रश आने की आशंका हो सकती है। मेरे को लग रहा है कि गाइस यहाँ पे कुछ ना कुछ होके गलत सीन होने वाला है आज के साथ में, बिकॉज शकुनी जो है वो शायद से भाग सकते हैं बट आज के पास में कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा अगर बंदों ने यहाँ पे रश कर दिया आज के ऊपर। आज को गाड़ी लेके यहाँ से निकलना ही अच्छा होगा, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। एंड भाई टीम जीएनआर ने एक और टीम को पिकअप कर लिया है। सो ये है टीम एमटीएफ एंड हॉक जो है वो नॉक पड़े थे। हॉक को यहाँ पे रेफ मिल चुका है। ओ भाई यहाँ पे फोड़ दिया है गाड़ी को एंड गाड़ी से यहाँ पे नॉक कर दिया है दोनों बंदों को, तगड़ा सा यहाँ पे नॉक देते हुए एमटीएफ को। देखते हैं कहीं और बंदे क्या कर रहे हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे हॉक जो नॉक हो चुके थे इनको रैप दे दिया गया है। स्टार के बंदे भी इनके नजदीक में है ना। टीम एमटीएफ यहाँ पे दो सिचुएशन में फंस गई है। इनको इनके साथियों को बचाना भी है टीम जीएनआर ऑफिसर्स के पास से, और एक और जो है टीम पीछे से यहाँ पे अटैक करती हुई हम लोग को दिख रही है जो कि है भाई टीम स्टार। भाई टीम स्टार नहीं छोड़ने वाले इन लोगों को। फिलहाल के लिए हॉक जो है वो अकेले बच गए हैं। भाई मार्शिनो यहाँ पे नॉक पड़े हैं जो कि फिनिश ऑफ हो चुके हैं ऑलरेडी। टीम ऑम स्पोर्ट्स भी इनके नजदीक में हम लोग को दिख रही है गाइस, मेरे को लग रहा है बहुत दूर है। जी हाँ गाइस बहुत दूर है। टीम स्टार जो है इन्होंने फिनिश ऑफ कर जरूर लिया है, बट एमटीएफ स्पोर्ट्स का जो बंदा है वो फंस चुका है गाइस यहाँ पे, वो फंस चुका है। इसको निकलने का एक ही तरीका है जो कि है यहाँ से निकल जाना। बंदों ने यहाँ पे रोटेशन करना चालू कर लिया, बट टीम जीएनआर नहीं रुक रही है। जीएनआर के शकुनी जो है इन्होंने रुक के अपने लिए हेल्थ लगा लिए, थोड़ा सा यहाँ पे इनके ऊपर फायर जरूर आ रहे हैं बट कुछ ना कुछ होके मेरे को लग रहा है कि शकुनी तकलीफ में आने वाला है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे शकुनी अच्छे खासे हिट दे रहे हैं, हिट कर रहे थे कार 900 का, यहाँ पे इनके ऊपर फटका आया और भाई शकुनी की हेल्थ आधी। इनका एक दो साथी है वो भी दूर है, तो मे बी इनका साथी जो है वो नजदीक में अगर आएगा तो कुछ ना कुछ हो सकता है। वहीं पे भाई स्टार के बंदों को देखा जाए तो यहाँ पे बेपैक्स मस्त करके मजे ले रहे हैं। स्टार के बेपैक्स ने यहाँ पे एक बंदे को पेल दिया है। ऑम स्पोर्ट्स के बंदों को यहाँ पे अटैक करते हैं हम लोग को देखने वाले हैं बहुत ही जल्दी। बेपैक्स ने एक अच्छा खासा जो इनका सिचुएशन था उसको हैंडल कर लिया है अलॉन्ग विद हिज टीम में जो कि सास्के एंड विजन। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होने वाला है। टीम नंबर 6 ऑम स्पोर्ट्स के बंदों ने यहाँ से निकलना ही अच्छा सोचा, एंड निकलते हुए ये लोग जा रहे हैं जोन के अंदर, बिकॉज जोन इनके नजदीक में नहीं है। 20 सेकंड बाकी है, गाड़ी इनकी ऑलमोस्ट हिट कर रहे हैं बंदे, एंड भाई ये लोग जोन के बाहर फाइट लेने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ग्रूट को देखा जाए तो ग्रूट के पास में भाई उसी अलॉन्ग विद शॉटगन, भाई ग्रूट का एक अलग ही कॉम्बिनेशन। गाड़ी इनकी फोड़ दी जाएगी, ये फूट गई गाड़ी बट नहीं फूटी ये। ओ वहां पे एक इंटरेस्टिंग फाइट चल रही है गाइस, हेल रेजर्स वर्सेस टीम ऑन टॉप। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। बहुत ही तगड़ा फाइट चलते हुए हम लोग को दिख रहा है, एंड जाम्बी ने वहां पे राइट से फ्लैंक ले लिया है। हेल रेजर्स के बंदे यहाँ पे ऑन टॉप के ऊपर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद वेरी गुड एडवांटेज ऑफ हाइट। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। बायोनिक के ऊपर भी अटैक कर रहे थे एंड बायोनिक भी यहाँ पे अटैक के ऊपर आ चुके थे, बट फ्लैश के ऊपर जो अटैक किया था फ्लैश को पीछे जाना पड़ा, एंड बायोनिक इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। बस देखते हैं यहाँ पे क्या सीन होने वाला है। बायोनिक थोड़े से घर के बाहर जरूर है अगर देखा जाए तो। हेलरेजर्स के बंदों ने भाई दो दो के स्प्लिट में जाने का सोच लिया है। वहीं पे डीएमआर के निकी ओपी वहां पे नॉक होते हम लोग को दिख चुके हैं, एंड इनको फिनिश ऑफ किया जाएगा। टोक्यो की हेल्थ बहुत ही लो हो चुकी थी जिसको वो आराम से अपनी हेल्थ को रेफ कर रहे हैं, एंड भाई इनके ऊपर अभी नेड्स एंड स्मोक के अटैक्स आ रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है ऑन टॉप। टोक्यो के साथ में एक के पीछे एक इनके ऊपर नेट मॉलिश डाले जा रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं कि नहीं वो तो पता नहीं है, बट टीम हेल रेजर्स हर एक तरीका इस्तेमाल कर रही है इन लोगों को अटैक करने का। देखा जाए तो भाई एज से धीरे धीरे आगे बढ़ते हम लोग को दिख चुके हैं ऑन टॉप। प्रफुल एंड बायोनिक दो दो के स्प्लिट में आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। जी हाँ जैसे कि हम लोगों ने देखा
यार बंदे दो दो के स्प्लिट में निकल चुके हैं। अगर कोई बंदा नॉक होता है तो स्मोक के कवर से इनको बचा सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। दो बंदे पीछे से यहाँ पे एडीएस देते हुए हम लोग को दिख चुके हैं। एंड भाई जाम्बी एंड सिम्बा भी स्प्लिट हो चुके हैं। जिन्हें के शकुनी ने वहाँ पे कार्नेज को पिक ऑफ कर लिया है एंड मे बी इनको फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा कार्नेज को। देखते हैं यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। फिलहाल टारगेट एक्सपोर्ट्स के बंदे भी अटैक कर रहे हैं एंड भाई ऑन टॉप एंड एचआरए की फाइट जो है वो धीरे धीरे पैसिव होती जा रही है। देखते हैं यहाँ पे टारगेट एक्सपोर्ट्स के बंदे क्या कर रहे हैं। अटैक करेंगे भाई धीरे धीरे निकल निकल के यहाँ पे अटैक किया जाएगा। एंड मे भी यहाँ पे टीम जीएनआर के ऊपर तगड़ा वाला अटैक करने की कोशिश करने वाला टारगेट स्पोर्ट्स के बंदे मेराट्रॉन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। एंड भाई इनका एक साथी जो है कर्मा इनको रैप देने की कोशिश कर रहे हैं डोप, बट इनको रैप नहीं दिया जा रहा है। ड्रैकुला ने वहां से एक अच्छा खासा रोटेशन ले लिया है। ड्रैकुला अभी यहाँ पे वेट करेंगे। सामने सामने यहाँ पे इनके बंदा एडीएस ओपन कर लिया है ड्रैकुला ने। पीछे से यहाँ पे कर्मा नॉक हुए पड़े हैं। कर्मा को यहाँ पे रैप लेना पड़ेगा। ड्रैकुला अगर ऊपर जाएंगे तो एक ओपी सा यहाँ पे दिमाग चला सकते हैं, बट ड्रैकुला यहाँ पे नेट को कुक करके अटैक करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी नेट यहाँ पे डाल दिया है। एंड भाई क्या ये फोड़ेगा बंदे को, ओपी सा यहाँ पे नॉक पेगासस से निकाल लिया है नूब राणा का, नूब आरएनए का। देखते हैं यहाँ पे क्या है। खलनाक के ऊपर भी यहाँ पे ट्रैकलर नेट डालते हुए कर्मा अपनी हेल्थ लगा के आ चुके हैं। कर्मा को यहाँ पे बचा लिया गया बहुत ही तगड़ा खेलते हुए। यहाँ पे पेगासस यहाँ पे अच्छे से खेलते हुए डोप एंड ट्रैकलर ऊपर चढ़ चुके हैं। कर्मा यहाँ पे इनको होल्ड करने की कोशिश करने वाले हैं। एंड भाई यहाँ पे नेट मॉली डालने वाले हैं। पेगासस अपना अपने स्मोक का कवर बनाते हुए हम लोग को देख चुके हैं। एंड भाई ट्रैकलर यहाँ पे धीरे धीरे आ चुके हैं। वहीं पे ऑन टॉप के बंदे ने जाम्बी को पिकअप कर लिया है। भाई ऑन टॉप के बंदे यहाँ पे भाई बूम बाम करते हम लोग को देख चुके हैं। टोकियो यहाँ पे पिकअप हो चुके हैं। निशांत इनकी हेल्थ बहुत ही लो हो चुकी है। बायोनिक ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर लिया है। एंड भाई दो बंदों को फिनिश ऑफ करते हुए भाई बहुत ही एक बंदे को फिनिश ऑफ कर लिया है टीम एचआरई के। एचआरई के बंदे धीरे धीरे क्लोजिंग करते हम लोग को दिख चुके हैं। देखते हैं पीछे से यहाँ पे एक और टीम आती है जो कि है हैशटैग। अभी हैशटैग यहाँ पे अंदर घुसने वाली है। एंड भाई कुछ ना कुछ होके कुछ गलत सीन होने वाला है। वहीं पे निशान ने जंप कर ली जो कि वो नीचे चले गए। भाई तीनों बंदे यहाँ पे राज करते हैं हम लोग को दिख चुके हैं। बायोनिक के ऊपर बायोनिक की हेल्थ लो। एचआरई के बंदे यहाँ पे आ चुके हैं। भाई एक बंदे को नॉक दे दिया है। सिम्बा को मिलकर एक और बंदे को नॉक दे दिया ऑन टॉप के बायोनिक ने। भाई बहुत ज्यादा खेलती हुई टीम ऑन टॉप। अकेला बंदा बाकी है, फ्लैश यहाँ पे बाकी है। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए फ्लैश अकेला बाकी है। प्रफुल वेट कर रहा है, प्रफुल को जंप मारना पड़ेगा। पीछे से टीम हैशटैग यहाँ पे आ चुके हैं। हैशटैग को वहाँ पे होल्ड ऑफ करना पड़ेगा। टीम ऑन टॉप की दोनों टीम्स आ चुके हैं। भाई फ्लैश अकेला यहाँ पे रैप देने की कोशिश करने वाला है इन लोगों को। देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। इनको अटैक कर दिया है। भाई टीम एचआरई को खत्म करते हुए टीम ऑन टॉप बहुत ही तगड़ा खेलते हुए यहाँ पे एचआरई ने बहुत ही अच्छा सा अटैक किया था, पुश किया था, बट उसको होल्ड ऑफ करने की कोशिश की। एंड भाई ऑन टॉप के बंदे आगे बढ़ चुके हैं बहुत ही तगड़ा खेलते हुए। निशान के ऊपर फायर आ चुके थे, निशान यहाँ पे रिटर्न फायर देते हुए हम लोग को दिख रहे हैं। वहीं पे भाई टीम हैशटैग के जो बदमाश नॉक हुए थे उनको रैप देते हुए हम लोग को दिख चुके हैं टीम हैशटैग के स्टोनर। देखते हैं यहाँ पे क्या चीज होने वाला है। बॉडीज के साथ में नेड यहाँ पे जाता हुआ, क्या ये नॉक निकाल पाएगा। बेब गाड़ी से उतर के नॉक हो पड़े हैं। वहीं पे मॉडस के ऊपर हर एक इस्तेमाल कर रहा है स्ट्रैटेजी, बट मॉडस थोड़े से यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाके फ्लैंक करके आराम से अटैक करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या करने वाले हैं मॉडस। फिलहाल के अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑन टॉप के बंदे बहुत ही तगड़े खेलते हुए हम लोग को दिख रहे हैं। एंड भाई बदमाश की हेल्थ लो हो चुकी है अगेन। क्या बदमाश ने यहाँ पे हेल्थ मारा या नहीं वो हम लोग को पता नहीं है। देखते हैं यहाँ पे ये वाले बर्ड आई व्यू से देखते हैं गाइस एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। आई गेस सो यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वाला फाइट हम लोग को देखने मिलने वाला है। एचआरई के बंदों को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बाहर निकल लिया। टोक्यो जो गाड़ी लेके जा रहे थे, टोक्यो यहाँ पे गाड़ी लेके आगे बढ़ चुके हैं। भाई टोक्यो का यहाँ पे क्या हो गया एग्जैक्टली पता नहीं है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे टोक्यो की मॉली डाल चुके हैं बंदे। एंड भाई मॉडेस्ट एंड स्टोनर को यहाँ पे बाहर निकालने की कोशिश पूरी की जा रही है। प्रफुल वहां से गाड़ी लेके घूम रहे हैं। एंड टोक्यो जो है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट फंस चुके हैं। बदमाश वापस नॉक हो गया है मेरे को लग रहा है। जी हाँ बदमाश वापस से नॉक हो गया। टोक्यो होल्ड कर रहे हैं भाई बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ पे होल्ड करते हैं हम लोग को दिख गए। मॉडेस गाड़ी लेके बदमाश को रैप लेने की सोच रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। वहीं पे भाई मेरे को लग रहा है कि प्रफुल ने भाई जो स्विच कर लिया है बहुत ही तगड़ा। मॉडेस नीचे उतर चुके हैं। क्या मॉडेस बचा पाएंगे बदमाश को? आई डोंट थिंक सो। बदमाश ऑलरेडी मर चुके हैं। भाई सोनो यहाँ पे अकेला है जो होल्ड कर रहा है टीम ऑन टॉप को। वहीं पे मॉडेस जो है वो अभी धीरे धीरे आगे आने वाले हैं। ऊपर से नीचे गिर चुके थे बदमाश आई गेस यहाँ पे। एंड सिक बॉय वहां पे प्लेजोन से मरते हम लोग को दिख चुके हैं। मॉडेस वापस से अपने साथी की तरफ आते हुए हम लोग को दिख नहीं रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे स्टोनर जो है वो निकल चुके हैं। टोक्यो को मालूम पड़ चुका है भाई टोक्यो के ऊपर भी अटैक आ रहा है। मॉडेस के ऊपर अटैक दे दिया एंड टोक्यो यहाँ पे ऑलमोस्ट पिक ऑफ कर ही रहे थे। मॉडेस को की तक और फायर दे दिया एंड भाई टोक्यो नहीं रुक रहे। भाई टोक्यो एक के पीछे एक अटैक कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या सीन हो रहा है। मॉडेस वहाँ पे हेल्थ मार रहे हैं अपनी।
एंड भाई ऑन टॉप के बंदे तगड़े खेलते हम लोग को दिख रहे हैं। मॉरिस को यहाँ पे पिन डाउन कर लिया गया है, मॉरिस के ऊपर हर जगह से अटैकर है, स्टोनो को पिकअप कर लिया गया है भाई ऑन टॉप नीचा ऑन टॉप बहुत अच्छी तरीके से खेलती हुई यहाँ पे गाड़ी फोड़ेगी एंड भाई मॉरिस को नहीं जाने का, वो भाई कवर के अंदर से मारा मॉरिस को एंड मॉरिस को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया ऑन टॉप के टोको ने। बहुत ही तगड़ा फाइट लेते हैं स्मोक के अंदर से यहाँ पे फायर करते हैं, कंटिन्यू फायर करते हुए गाड़ी के ऊपर हर जगह पे फायर करते हैं हम लोग को दिखे टीम ऑन टॉप एंड भाई टीम हैशटैग में फिनिश ऑफ कर दिया। एच आर के बाद में यहाँ पे एक और अटैक को पकड़ लिया एंड वहीं पर देखा जाए तो यहाँ पे जी एन आर फाइटिंग में टीम देखते हैं यहाँ पे एक्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। शकुनी यहाँ पे अकेले बाकी है, एक बंदा जो है वो उनको नॉक निकाल लिया है, ड्रैकुला जो नॉक पड़े थे वो अकेले नॉक पड़े हैं। देखते हैं यहाँ पे भाई ड्रैकुला के बंदे मेरे को दिख नहीं रहे, आई गेस यहाँ पे ड्रैकुला के बंदे गाड़ी लेके निकल चुके हैं एंड भाई कुछ भी करके यहाँ पे ड्रैकुला मरने वाले हैं। शकुनी यहाँ पे धीरे धीरे गाड़ी लेके आगे बढ़ने वाले हैं, देखते हैं एग्जैक्टली क्या वो ड्रैकुला है भाई। इनके दोस्त लोग तो भाई बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुके हैं गाड़ी लेके, BRDM को लेके क्या ही दिमाग चला लिया यहाँ पे टीम जीना ने, जोन में जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखते हैं यहाँ पे क्या सीन होने वाला है, बाहर निकलेंगे यार भाई धीरे धीरे आगे आएंगे, इनके वो गाड़ियों के ऊपर अटैक जरूर चल रहे हैं पर ये जोन के बाहर आगे जाने वाले हैं कि नहीं ये तो भाई इनको ही पता चल जाएगा। गाड़ी फोड़ दी है एंड भाई टीम GNR यहाँ पे खत्म होते हुए पीछे से यहाँ पे बंदे मारते हुए टीम GNR को वहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे टीम 22 के बंदे अभी तक होल्ड अप पर है, बेड स्पोर्ट के बंदे FSM के ऊपर अटैक करते हैं हम लोग को दिख चुके हैं भाई जोहार अटैक कर रहे हैं अंदर घुस रहे हैं अटैक कर रहे हैं अंदर घुस रहे हैं और ये भाई नॉक ले लिया अपना एंड फिनिश ऑफ हो गए भाई, खत्म हो चुके हैं भाई जोहाद और भाई बेट स्पोर्ट्स के बंदे भी खत्म हो चुके हैं। MEC के बंदे मैक ऑफिशियल के बंदे यहाँ पे धीरे धीरे जोन के अंदर जाते हुए हम लोग को दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी खेल रही है ये टीम गाइस, इस टीम ने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस दिखा लिया है। देखते हैं यहाँ पे टीम मैक ऑफिशियल्स क्या करने वाली है, मैक के नजदीक से यहाँ पे जा रहे हैं विजन एंड विजन को शायद से पिकअप किया जाएगा, विजन भाई गाड़ी के ऊपर से उतर के ही मर चुके हैं भाई, ये एक गलत मूव हो चुका था विजन का एंड भाई विजन गाड़ी के ऊपर से एग्जिट कर लिए एंड भाई मर चुके थे, हेल्थ लो थी कुछ नहीं कर पाए विजन, मर गए यहाँ पे। अपने टीम को आगे लेने की कोशिश जरूर की थी बट विजन गाड़ी से उतर के बूम हो गए गाइस बूम। अगर सिचुएशन देखा जाए तो गाइस आई थिंक द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एंड मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ऑन टॉप के बंदों के हाथ में ये वाला चिकन आ सकता है। देखते हैं यहाँ पे IBB के ऊपर शायद से अटैक चल रहे हैं ऑन टॉप के, देखते देखते मेरे को लग रहा है कि IBB किसी का नॉक निकालने वाला है बहुत ही तगड़ा वाला। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है IBB के साथ में, वो प्रफुल को ऑलमोस्ट स्पॉट ही किया था IBB ने बट प्रफुल वही टाइम पे नीचे उतर गए थे एंड भाई टीम ओम स्पोर्ट भी वहां से अटैक करने की कोशिश कर रही है। देखते हैं यहाँ पे ओम के साथ में क्या चल रहा है, फिलहाल के लिए IBB ऐसा बंदा है अकेला जिसके पास में एक कार 98 है एंड भाई ये बंदा अपने टीम के लिए कुछ भी करके एक अच्छा खासा पोजीशन लेके आने की कोशिश करेगा, बंदों को यहाँ पे हिट करने की पूरी कोशिश करने वाला है ये वाला बंदा। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है भाई, पट करके ये पटका मारा जरूर है और ये पटका मारा भाई ओपी सा नॉक बाय IBB, ये बंदे ने भाई दिखा दिया कि भाई आप अकेले जरूर है बट हार नहीं मानी चाहिए और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे नॉक निकालते हुए IBB मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे IBB एंड भाई क्या ही दिमाग चला लिया, दो बार यहाँ पे ADS लेके छोड़ दिया बट थर्ड टाइम इसने शॉट को मिस नहीं किया, स्मोक के अंदर से यहाँ पे मारते हम लोग को दिख चुके हैं IBB एंड भाई हैक्सॉर जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हैक्सॉर भी खत्म हो चुके हैं जोन के बाहर है। मैक ऑफिशियल के बंदे बहुत ही अच्छे खेलते हैं हम लोग को दिख चुके हैं, ऑन टॉप के बंदे अभी मैक के साथ में यहाँ पे अटैक करने वाले हैं फाइट लेने वाले हैं, कैसे यहाँ पे FSM के बंदे भी अभी तक जिंदा है, IBB यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, देखते हैं क्या होने वाला है मैक ऑफिशियल के साथ में। आई थिंक यहाँ पे मैक ऑफिशियल्स को एक अच्छा खासा जोन भी मिल चुका है ना, अच्छा खासा पोजीशन मिल चुका है भाई। BT जो है ज़्यादा थोड़ा ही बाहर ज़्यादा ही आ चुका है, देखते हैं यहाँ पे BT के साथ में क्या करना, बिकॉज लक्ष्य ने अगर स्पॉट कर लिया तो तकलीफ में आ सकते हैं। वहीं पे प्रियो बॉट के ऊपर अटैक्स आ रहे हैं हर तरफ से, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है प्रियो बॉट के साथ में। अगर बात की जाए ऑन टॉप के बंदों की तो वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, टोक्यो ने वहाँ पे IBB को खत्म कर लिया एंड भाई दिस गाइज आर एडवांसिंग टू देयर चिकन डिनर, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे टीम ऑन टॉप चिकन डिनर ले सकती है। देखते हैं यहाँ पे बट पासा पड़ सकता है भाई, पेगासस अभी तक जिंदा है एंड भाई जोन के अंदर है लाइव, तो पेगासस ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीका इस्तेमाल कर लिया है और देख हम लोग ये रहे हैं कि गाइस ऑन टॉप के बंदे पेगासस के ऊपर है एंड भाई ऑन टॉप के बंदे हिट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है टीम मैक ऑफिशियल्स का एंड टीम ऑन टॉप के साथ में, वहीं पे FSM के लक्ष्य भी आराम से यहाँ पे स्टेल्थ तरीके से वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या सीन होने वाला है। इन लोगों का जोन अगर पानी के अंदर आया तो क्या ही मजा आएगा। ऑन टॉप के टोक्यो यहाँ से निकल पड़े हैं, धीरे धीरे आगे जाएंगे क्लोजिंग करेंगे एंड बाद में बंदों को हिट करने की कोशिश करेंगे
टोक्यो यहाँ पे उतर चुके हैं भाई। टोक्यो को पता है यहाँ पे नेट डालेंगे तो भाई बहुत ही अच्छा डैमेज हो सकता है बंदों का, सामने वाले बंदों का नेट्स को यहाँ पे बौछार किया जाएगा। भाई टोक्यो ओपी था, यहाँ पे नेट डाल दिया था एंड भाई बंदों को हिट ऑलमोस्ट लग ही चुका था, कैसे बचे वो तो बता नहीं, बट क्या ही तगड़ा वाला नेट डाला था भाई टोक्यो। एंड भाई ये रिटर्न नेट आते हुए हम लोग को दिख चुके हैं, यहाँ पे स्मोक डालते हुए हम लोग को दिख गए है MAC मैक ऑफिशियल्स के बंदे। एंड भाई देखा जाए तो ये बंदा जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा दिमाग चलाते हुए हम लोग को लग रहा है कि बैठा हुआ है, शायद से बायोनिक को यहाँ पे पिक ऑफ कर सकता है लक्ष्य। लक्ष्य आराम से वेट कर रहे हैं, लक्ष्य अपने लक्ष्य के तरफ बहुत धीरे धीरे नजदीक से बढ़ते हुए, और भाई लक्ष्य के ऊपर भी फायर आ चुकी है, इनको स्पॉट जरूर किया गया था बाय टीम मैक ऑफिशियल्स। एंड लक्ष्य अभी तकलीफ में आ सकते हैं गाइस, एक अलग सिचुएशन में जाते, एक अलग यू नो पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं यहाँ पे। ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही तगड़ा हम लोग को लग रहा है कि आप लोगों को इससे सब कुछ मालूम पड़ने वाला है एग्जैक्टली क्या सीन हो रहा है। एंड आगे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे ऑन टॉप के बंदे, नाउ दे आर फाइटिंग विद मैक ऑफिशियल्स एंड मैक ऑफिशियल यहाँ पे इन लोगों को होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भाई बीटी को देखा जाए तो यहाँ पे मैक ऑफिशियल के तीन ही बंदे हैं एंड बीटी यहाँ पे अलग होते देखिए धीरे से आगे बढ़ रहे हैं, ही डज नॉट हैव एन हेलमेट। एंड भाई यहाँ पे एक बंदे को पिक ऑफ कर लिया गया है एम्परर को, ऑन टॉप के टोक्यो यहाँ पे पिक ऑफ करते हुए हम लोग को देख चुके हैं बीटी। बीटी बहुत ही तगड़ा फायर देते हुए एक और बंदे ने पीछे को नॉक कर लिया है बंदे को, निशान की है बहुत ही लो। भाई बीटी आगे बढ़ता है, हम लोग को देख चुका है प्रफुल वर्सेस बीटी होने वाला है, ये वाला स्प्रे मारते हुए भाई एक पीछे एक स्प्रे मारते हुए हम लोग को दिख चुके हैं, बहुत ही ओपी से नॉक निकाल रहे हैं भाई ये बंदे, हिट कर रहे हैं यहाँ पे प्रियो बॉट भाई, बहुत ही ओपी खेलते हुए ऑन टॉप की टीम को खत्म कर दिया है। एंड भाई ले लिया प्रियो बॉट ने भाई FPP में स्विच करके, क्या ही दिमाग चला लिया था वहां पे, दिस वॉज द टाइम टू स्विच इन FPP। वहां पे पीछे में FSM के लक्ष्य आ गए हैं, नाउ द बैटल इज बिटवीन लक्ष्य वर्सेस पेगासस। देखते हैं यहाँ पे लक्ष्य क्या करने वाले, लक्ष्य को अंदर जाना है जोन के अंदर, जोन बहुत ही कम ये कर रहा है फिलहाल, यहाँ पे डैमेज बहुत ही ज्यादा दे रहा है, बहुत ही जल्दी जोन एडवांस हो चुका है। देखते हैं यहाँ पे लक्ष्य क्या करने वाले, हेल्थ वापस मार रहे हैं, डैमेज ज्यादा लक्ष्य मर जाते हैं वो जोन के बाहर। एंड ये क्या ही चिकन डिनर मिला है टीम GNR को विदाउट फाइटिंग इन दी एंड जोन बाय टीम GNR को मिल चुका है चिकन डिनर, बहुत ही तगड़ा खेलते हुए एंड बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बहुत ही ज्यादा अच्छा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए GNR पेगासस लेके जाते हैं भाई अपनी टीम के लिए चिकन डिनर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आप लोगों को ये वाला कमेंट्री एज वेल एज ये वाला मैच पसंद आया रहेगा। एंड बहुत ही अनयूजुअल चिकन डिनर यहाँ पे लेके गए हैं टीम GNR के पेगासस। लक्ष्य के पास में और कोई ऑप्शन नहीं था, उनको जोन के अंदर भी जाना था, उनको डैमेज का भी देखना था एंड हेल्थ किट मारने में थोड़ा सा लेट हो गए लक्ष्य, आगे से यहाँ पे थोड़ा सा आगे दौड़ना चाहिए था बट ही हैड नो अदर ऑप्शन देन हीलिंग हिमसेल्फ, कुछ नहीं कर पाए, लक्ष्य अनलक्की रहे एंड भाई यहाँ पे पेगासस ने पेल दिया विदाउट अटैकिंग। बहुत ही ओपी चिकन डिनर यहाँ पे निकालते हुए टीम GNR। तो चलिए गाइस मिलते हैं कल, इसके बाद में हम लोग खेलने वाले, अभी हमारे जो कम्युनिकेशन होने वाले वो होने वाले मराठी के अंदर, तो तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। लीजेंड मेरे भाई, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स मेरे भाई, मेरे को पता है बट क्या ही कर सकते हो भाई, जोन जिसके पास में भाई चिकन उसके हाथ में, तो कोई बात नहीं, बुरा हो गया एक्चुअली, लिटरली बुरा हो गया, मैं समझ सकता हूँ, आई नो बट क्या ही करे भाई दोनों मैच नंबर टू, हाँ मेरे भाई हाँ। तो चलिए गाइस इसके बाद में हम लोग खेलने वाले हैं हमारा टीटन का गेम प्ले, तो अगर आप लोग देख सकते हैं तो रुक सक, अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग रुक सकते हैं, अगर आप लोगों को नहीं देखना है तो टाटा बाय, सी यू, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर एंड स्टे सेफ एवरीबॉडी। आज मेरे को क्या हो गया भाई, रलरला क्यों हो रहा है, ओके तो स्टे सेफ एवरीबॉडी, मिलते हैं कल वापस से बूम बाम करने के लिए सेम टाइम में, 10:15 को हमारा होने वाला है मैच स्टार्ट, 10:15 में 10 o'clock को, 10:05 पकड़ लो, 10:05 को होने वाला है हमारा मैच स्टार्ट, तो तब तक के लिए I love you all, we love you all, मिलते हैं वापस से with the deserving teams that are playing and by full boom bam करते हुए मैक ऑफिशियल बहुत ही तगड़ी खेलती हुई हम लोग को दिख रही है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा यहाँ पे चिकन निकालने की कोशिश कर रही है गाइस, उन्होंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है, देखते हैं यहाँ पे कैसे होने वाला है मैक ऑफिशियल्स का। भाई उन लोगों को हमने एक चैलेंज दिया है T2 से, वो लोग आगे ज़रूर पहुंचे हैं बट T1 में अगर उन लोगों को परमानेंट ग्रुप में रहना है तो उनको एक चैलेंज दिया गया है, देखते हैं अगर परफॉर्म कर पाए तो उनको ज़रूर मिलेगा हमारा T1 का स्लॉट। एंड अगर आप लोगों को भी लगता है कि यू गाइस डिजर्व द T1 स्लॉट तो ज़रूर फुल बूम बाम करते रहिएगा।
हेलो गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू ज्यूस फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई थैंक माय टीचर्स, कर्मा एंड डोप। भाई ये पेगासस टट्टी साला आ गया साला। ओ भाई वो डॉक्टर कट गया। एक घंटे आला 2 मिनट। अच्छा 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 अरे 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 भाई, पेगन का चिकन कल्लड़ है, नेक्स्ट लेवल स्कैम डाला कुठे हाँ स्ट्रीम। कस्टम हाँ कस्टम बोलतो भाई, तगड़ा चिकन डिनर विदाउट फाइटिंग इन लास्ट झोन। पाण्यात पाण्यात हे करता पोतो नुसता। वाह। सॉलिड चिकन डिनर आहे। मग शेवट आपल्याला काय म्हणजे अरे ते याने हेल्थ लो होती ना, सो तो हेल्थ मारायला ट्राय करतो बिकॉज झोन थोडा लांब होता। अँड ताई हेल्थ ओके ऑलरेडी ओके फाईट ओके मध्ये गेलती, एकदा ट्राय करत आहे ओके नाही, ओके एकदा धवाला लागला परत हेल्थ मारा लागला तो खपला। खाई नशीब रे। हाँ मैं 1 मिनट तेरा खोच भी रहेगी तुम्हें। तो गाइस मैं यहाँ पे ओहो चेयर को नजदीक ले रहा हूँ, ये आवाज आएगा वो चेयर का है, वो कुछ गलत आवाज मत समझना। डॉक्टर कट गेला रे, काय करता डॉक्टर? आला आणखी 2 मिनिट आणि पहिला रिस्टार्ट मारा ओ एकदा डॉक्टर झाला आणि तिला रेड हाल दिसत नाही वाटत। ऑफ मग दिस। आला आला डॉक्टर रेडी कर भाई, क्या कर रहे हैं? अगोदर स्पीच टाइप करून ठेवता वाटते। हा त्याने अगोदर स्पीच टाइप करून ठेवले, डॉक्टर रेडी कर नाही, डॉक्टर डॉक्टर हेलो। हा रेडी कर नाही, हा रेडी कर ओहो दे। आवाज येते 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 अरे अच्छा हो तेच मी बघते बरं इरेग ना काय लागला। ओ ललित कुठं आला भाई, गाडा नाही का मी बघते बरं। अरे ये काय चाललंय, बाकी दिस बिहेवियर ब्रो। रिजय बाबा आपण नंतर क्यों राजा ना, डॉक्टर देवा तू शिकाय ना तरी पबजी खेळणार का? डॉक्टर तुला काय झाले, तू हॉस्पिटल मधनं काय त्या दिवशी कालचं मी बघितलं पण मला नाही वाटलं तुला झालं काय। आता सगळ्या पिल्या तुला लायचा का तो एंडी? पाय ये कोण झालं भाई, मला नव्हतं माहिती। पोरी देव गे भाई वाटलं ला शिव बघा ते काय ठीक आहे तरी पबजी खेळणार का? लक्ष मेरे भाई, बैड लक ब्रो, बैड लक। जोन जोन के साथ में गया छोटी आगे लेगा। हॉस्पिटल से आ रहा था तो आंधे से हमारा चाय मुत्र ना स्मिता, चाय मुत्र स्मिता। ये भाई ऐसा लगा लगभग कितने किंतु बोल रहे Excellent work. ये कर लिया आपने? अरे व्हाट इज उधर ली नहीं मेन बिल्डिंग ना? नहीं आटे साथ मेरे साथ नहीं मेन बिल्डिंग जाता हूँ। ओह भाई 3 स्टोरी। हाँ मेन बिल्डिंग पण होता। ओके 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 डॉक्टर मेन बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग वाला दिला तुला दिला है। बीजा कटला है कोटे मारते तू ललित?
बॉट मार ला रहे हैं। अरे 30 रुपये गुस्सा से बोल घुस ना नहीं गुस्सा मिठाई तो यार चल कोणी काय करते हो नेट तुटला मी नेट ते नेट अटकलाय सेकंड तो घुस घुस ओपी रे मार दोन को मिलेगा वो टैप ले ला टैप ले ला खा लो रेडी नहीं 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 त्या नहीं दूसरा स्क्वाड आला लगे सामने आ रहे लगे ललित लगे सामने आ रहे डॉक्टर बंदे कुछ नहीं 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 वासे कोण नासे स्मोक करायला पाहिजे स्मोक करायला पाहिजे ओ काढले देन अरे खिलप दे एक खिलप दे फटक फटकने खिलप दे एक कोणातरी खिलप दे एक नंबर डॉक्टर तकला एक समोर रे समोर रे समोर रे समोर रे वॉच आउट ओ भेंडी जन काय खाले आज का काय पिले आज आज बीस फोन प्राइस दीदी दीदी जन काढले रे आगे सुनदा ओए ललित नॉक है ओए डॉक्टर वॉच आउट खत्म है रे didn't got the chicken prio but mere bhai chalta hai bro no worries no worries lalit lagaya la diya tondo diya tondo diya tondo sim more attention ne tari diya tondo oy bo ne yala aaya pitch kela paata ye madar patla ye ani nidlo na campus ne ne offline offline khelta offline khelta acha अरे वो तो काम पर नहीं है का मात तू मौत मरुन परत सिक्वल मौत मरुन मौत मरुन आए ओ चीव थाम रे ओए आइला दे एक दे बरोड अरे तू केला का बरते मार्क द लोकेशन एते मी फक्त थाम तू मंडेला एते मी या प्लेयर कडे कॅम करून बोला ओडी गॅरंटी इथे नाम उतरलंय हे डोंट वरी आय एम कमिंग सी 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 पण मला आवाज येते अपिलेस का पण तो कॉल आलाय तो डॉक्टर आज लागू स्पीकर 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 तू काय करतो आडा तू आमचा सेवियर आहे देवियर नाही सेवियर ते आमचा देवियर अंकल दो मारते नाही ते देवियर अंकल दो मारते थर्ड पार्टी झाली म्हणून तर ते माहिती का त्याहून दोघं मारलो आपल्याला त्याला मारलो एकाला काय केलं मला एकाला मेन बिल्डिंग च्या मारलो वॉटर खाली घेऊ बोला कोण आहे का रे मला काहीतरी
बैरल खरीद जो मैंने एक्सी कहीं तूने आते भी बैरल M762 ओके ये दिन मिहाजर से आए वो थी टायर रे नहीं एयरफोन करता रे हां ये बियर बियर बंद कर ना रिकाउट ही रे कब चुप मतलब बियर थी तो मैंने वाटे पहुंचने से लग गया आटे पीले के तांगो हां सही है हां मोनो का गेम कर तेरे वाटे ला वाटे कर ना आदत ना तू कहेंगे तूने स्काइप पिला नहीं? बराबर आज ना वो कार पिला अरे मजे तू है आखिर तो डबता तेरी कितने तो डब ले तेरा नो तू कल क्या लग लेने आने का कापे नहीं का तू कापे नहीं ना नक्की हद बिल काप ओ सोम प्लेयर अच्छा नॉक दिलाते हैं ना टी नॉक के नीचे लाते कितने कोना मार दिया रे हैंग करी कुतरे चना रे चना ये ले वाच आउट मार ना मार ना फिनिश करो अरे तेरा वीजा वाली फाइट चल ली नहीं था फाइट चला लेफ्ट ला लेफ्ट ना राइट ना लेफ्ट ना लेफ्ट ना की और तो पर ओपन ले आते हैं नेक्स्ट अरे भाई अपना भी तक ना ओ हो भाई अपना ओ हो जी जी भूखा ले भूखा ले ना है बट नो आ लगा तभी एक आदमी फाइटिंग करता मना करूं देते नहीं यार ये आए कितने हैं दोनों में ना मरता है भेंडी दोनों में ना I need a weapon. Weapon I need. Weapon I need. Deva. Deva sorry. Atre na karu mana ka mi ya hatatno washin. Dad antatno message kela add kar. O ata ka karat. Chala ante kenta. Oyo gela re ikade gela. Kid. ओके गेला यो जो काय ते हेडशॉट फिटर घातले आता काय माहिती किद जातेन रे लवकर हांग रे तो टाइम झाले अरे भाई 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 देख लेवल और बाय कप तक कने आमच्या गावचे हा म्हणजे आज ओरदे आज जरा किती जास्त वाढतीन ने क्या या हॅलुसिनेशन चे वरती कॉल तो उडी मारली बाजूला ओए ओ तू नटे कटे आण लटे काय नाही करणार डॉक्टर आता काय करतो काय ओके माझी इकडे गन गंगे एक गंगे पटना तरी आईस नटे काय नाही ललित सेवर सर ललित सेवर सर अरे एक कॉल किशक की अटे सर लेफ्ट सर लेफ्ट 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 अरे दोन नकत बाय डॉक्टर काय पण करू गुस अरे कुत्र्या अरे पहिला दोन नॉक दोन नॉक तो एक रेप झाला रे हा मला एक बरी गाडी घ्याला गन गन ही गन मला गाडी गन रे आय चिक सॉरी मला माफ कर रे अच्छा दिया पण आहे क्यों बोलते मी शी आदमी जाणार तो कुठं मन अरे पण तू म
मला एक नाही समजे. अरे पण दोन नॉक दिले का नाही. अरे पण म्हटलं आम्ही नव्हते ना आणि म्हटलं ना आता मला नाही माहिती ना ते समोर प्लेअर ते मी थोडं हे करणार बघणार कोण कटे काय कट उतरेला त्याने आम्हालाच माहिती तू नाही रे यालाच नॉक दिल तर नंबर वन मिनिट तुझ्या करता काय केलं नाही पद माया पण काय देवाशी माफ कर तू कोणत्या दुनियात आहे मी तुला हाणते काय भाई तू होड ती बिअर बिअर होड तू गावठी येत ये तू डेंजर आहे रे पण असत काय म्हणजे तुला काय वाटतं अंगू मला बेचैन पण का काय काय फक्त बिअरच तरी का बरं फोन एक नंबर भाई टायटन थँक्यू टायटन मेरा पण क्रोसेट देऊन गेला ओय केटन तू जे देल ते पेल काय आहे का बरं आज ये इनकमिंग फ्री आहे आउटगोइंग पण दे फक्त चल 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 डॉक्टर चल चल टाकते मी हो आजकाल मी ते नरुडो बघा लागलाय ना मला काय माहित नाही तसं बोलतो एक वर्ष बोलतो ते सारखी ते मी दत्ते मायो तू बघितले काय ते मी सारखे ते काय शारिंगा अरे नरुडो म्हणजे काय नरुडो म्हणजे काय ते अनिमे अच्छा नरुटो डॉक्टर सेकंड वाला फोन नॉक केला ना एक शी आहे वन विथ थ्री कसा लावा ऑन द फोर ना हांगा सगळं होडीला टाइम प्लेस घेतले हे हो लटला प्लेयर का बघूय मराठा गाडा ना बोलू कोणस नाही भाई हे काय तीन आहे बेकार तीन आहे हो क्रॅपडासला कोण नाही होडून दे अरे किस आपण तो लास्ट गेम मी रिस्टार्ट मारतो या गेम काय गुखातो अरे तू अरे मान रे एलमेंट ने एलमेंट ने काय करू मी मी काय ते बोल ना लेफ्ट ला सगळे एक मिनिट मला सुम सुम काय तरी आवडते लेफ्ट ना गोळ्या हां काय मारते मला ओ राइट ला राइट ला राइट ला राइट ला कोणते ते मला माहित नाही पण आपल्याकडे येते मला आवाज सुम सुम काय कोणता इयरफोन जो ते अरे गोळ्या आवाज नाही तो येते बघ शेवटला घुमते बघ आवाज ऐको हे बघ आला आला हे आटला गेमिंग आहे पॅटर्न तुझाच पाडायचा मी याला पाडणार असतो अरे नाही मी पडला मग तू ये लवकर ओय ओय मम्मी मम्मी ना पडला का पडला 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 काही तटला तर तो बॉट आहे त्या बॉटला मारू का ओय बघ काही होते रे बॉटात का कोण होती आये गुन्हा करला पुन्हा घे सॉरी 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 होय मी त्याला पाडला रे पण बिजन म्हणून ओम दिली युम दिली युम लवकर येते असं ते एक नको बिग फॅन्स यूज डॉक्टर यू वोंट अंडरस्टँड अच्छा भाई एक हेलकिटा करू काय पण करू घे ना दोन घे बस आता वर क्लास वाटते परत परत खाशी काय तुला थांब
ten bhendi ka dp thodi liye re patte se headshot oye ala re oye titan kal ke le दो नॉक के लिए पंते टिसन टाइटन नॉक कर टाइटन भी नॉक कर वो तो नॉक करेगा टाइटन खाली के और खाली के अगर किल ना और कोटने में तो मंदर ना अरे को मंदर ना डीपी डीपी मारते तो नहीं डीपी नहीं मारी तो माना समझ लेना कोटने में तो मरते बगू तेरा डीपी डीपी मारते डीपी मारते अरे यार डीपी मार लो माना इधर नॉक किलो मिन पर कहाँ मारना माना डीपी नया रे भी तो कौन से मारता हूँ माना भाई चला बम शेड मार लो चला तो बम शेड मार लो ये लगा अपना डेथरी पे बगून दे माना माना फायर करना पड़ते अरे लैम्बर डीपी मार दो कौन तेरी अंते ना कौन तुला डीपी लगने तुला ग्रेनेड वाला मार लो फेयर चेन हाँ नेट टाइम नेड आला चोट ला हाँ पण तुला लांबन कोणतरी एवढं डीपी मारतो का त्या आपण नव्हते आवाज नव्हते त्या लावडीत नव्हतं मॅप मध्ये नव्हतं लावडीत हां मी बरोबर त्या मध्येच घुसले आणि चा आईला तर वाट लागो तो काय नसेल जी जी अरे वा एकदा अजून बघाचं ये अनिल तुम क्रॉस हिट दवा लागला का ओए अरे वो ऐसा होता ना पार्ट लगो डरा कड़म डॉक्टर आज तो क्या डॉक्टर आज तो सेंड किया ला खटका है ना कैसे सेंड करते हैं इंस्टा इंस्टा और कहाँ रील्स तो बोली देता ठीक ही करस करस अरे पण तुम्हाला तुम्हाला जर टिकटॉक बंद करा तुम्ही रील वरती काय केले अरे मी नाही की मी नाही मी पण नाही मी पण नाही मी त्या आसपर रील्स का उघडलं पण नाही आहे ना कमी नाही बघितली इंस्टाग्राम वर कोणते रील बघितले मी नाही बघितले अभ्यास करणार रील बघितले नाही ते मग ते कोणते रील बघितले ते नाचणारना फसणार ते यहां तक की नाही बघितले अरे तू तू बघायला पाहिजे नुसतं कीत काय पाठी देते तुला पाच चौकडी लोक तुला पाच चौकडी लोक का पाठी दे साहेब तुला दोन चार ओळी पाठी दे मला पाठवतो साहेब मला पाठवतो कितून पाटील तू अकाउंट वर्स में रहेगा तेरा पाठो मेरा अकाउंट है ना तू भाई पाठो भाई भाई ये कहीं मानता है ये कहीं मानता है देवा अरे बगल का नुसतो ओके छपरी लोकाई ने पाठी दे काय ना का वीडियो तो फोर बैकअप करते तो वाला आज तो आपला पाठी तो नहीं तो ये पण नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं नींबू वाला बघितलं मी रखले नींबू वाले पावर प्लांट है लक्षात ठेवा काय होतं मी आता पहिलं काय बोलतलं की काहीतरी बोलले मुंगत म्हणते तुम्हारे संतर के आहे भाई 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 अरे मी काय करतो पहिला भाई तुम्ही गेला कशा खाली अरे काय टेंशन नाही तू जेव्हा सुद्धा अरे मी गाडे ओ माय पिन जाम 900 जाम 900 काय होतं रे पिन वाले बाकी तो एक पते नॉक के लिए कैड है कोड़ा फास होता है डॉक्टर डीपी हो तू ये टे मार्क द लोकेशन अरे कोटा में कोटा मैसेज आ रहा है तू कोड़ा का पता है आज खराब कर ला अच्छा अच्छा चल चल हमें इधर पूरे नहीं तो बॉट बीट जरा खाली करूं अटला कौन है ना उधर ले मार्क द लोकेशन वो शिनचेन ला मारला रे यार हां इला ते मा फेवरेट यो थांब इला मारला लागे आयो पडला जम बेला पडला 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 काने टेच वो ये खटे मारा मारे डीपी डीपी नेम आले जातो डॉक्टर मिड मारे मारे काय नाही केज हंगतले ना तू नाही आते ओ ये ये
ये मेहमान मेहमान अरे मन मन घरी से खराब करत लय ये या हिरवी बिल्डिंग वरती फोर्ड हाउस एकटाच आहे का काय काय माहिती कसला एक ह्या मध्ये धम धम प्लेयर स्पॉट कर प्लेयर स्पॉट कर वाटत आहे एक खाली उतरला तो वॉच आउट एक ते ह्या मध्ये राइट साइड ला ओके लेफ्ट साइड ला ये बस तू ओके 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 ठीक आहे ठीक आहे मोस्ट प्रॉब्लम के लेफ्ट साइड ला सर कैमरे एडवांस नहीं करा तुम पर आई गेस यू एकटा से घुस घुस कवर दे दे कवर दे दे हम ने टाके दे ओए प्लेयर वरती ने टाकले प्लेयर आला यार आला टेरेस वर आला डॉक्टर गेला पण मना नाही घेऊन गेला नाला एम देवत काहीतरी ओय लवकर डॉक्टर अरे हिलत 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 त्याला हिलत द्यायला लागलं दम केली थांबा थांबा सर माहित नाही ललित मी मेला मी मेला त्याला मारून टाक त्याला मारून टाक काय पण करू भाई यार रिगोट सपोर्ट आहे ना येत पकडून खाला नाही यार रिगोट सपोर्ट मार ओ यार काय खाली आज वय 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 काहीच नाही बोला सांग मी काय मा भेडे बोलता बोलता मला बोलता काय नाही हो वरडत काम नाही का लढा चाय ला ये बंद केलं पाते डा आणि ते बंद करतो मला ते की जून काय लागले ये मैं में हेल्प लो तुझे मैं में हेल्प लो तुझे तो पाल ला सॉरी टाइटल सी कह रहा है लेट्स गो बायर कम टाइटल कोंटर एटन नक्की हम कम आउट ओके ना ओके ना मी टाइटल ला घेऊन घुसला आईला ते तू भेडी कोण रे भाई नेक्स्ट टाइम नेड कुक करून टाकीन रे ओए तो नहीं तो एग्जिट मार लो मजा आ गया अरे तुम भेंडी काय होते रे वो यो निंजा उभी मागे आलते ना आपल्याला हां भाई समोर ना आलता आपल्या समोर ना आलता एनिमी नव्हता एनिमी नव्हता मी हगिला रे मी दोन कस हगिला रे म्हणते त्याला मी रिलोडचं बटन दे यायला ते मध्ये गुस्त ना रिलोड करते पोस्ट नेड नव्हते ना रे नेड बिल्ड नव्हते ते आरामात मारले इतकं नाही आता पण मी अर्ली नाही टाकला खूप नाही केलं ऑन नाईट पिन का मारका निंजा कोपड्या दुसरी ते
एक दिला मेन बिल्डिंग ना बा अरे बाजूच्या बिल्डिंग मध्ये पण होता होल कर अंडरग्राउंड ओपन ग्राउंड फ्लोर और कौन कर रहा था वो मेन साइड बिल्डिंग हां कौन का स्कोप उसका से मार से करा तुम मार लगा ना काम तो लास्ट का बोल बस आई सोली एंड नेट छी शो तो मेलो आ तो नॉक करना तो दो हद बटे ओ सर जंप कर खाली निगो सर आओ थाम थाम बटे थाम ले तो थाम चल नेट टाकला ए भाई वो वरती टेरेस वरून मारतो टाइटल मला बाहेर करा लागेल अटी 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 मंदे 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 टच ला कर तो वरून जंप किक अटी पण ना बाद ना मागना मागना मागच्या बिल्डिंग मधून अच्छा मार पण कोणतरी तम तम मऊन या वरून पडतील तुला नाही आला रिव्हाइव झाला तो उडी मारी नाही मारतो तो उडी नाही मारतो की चार मानना ठेवू शकत पण थांबतो थांबतो स्मोक आता अरे मदर स्मोक होऊन दे स्मोक होऊन दे हम इधर आठ नाही करते थांब इधर आठ नाही करते अटॅक कर लो ओ ब्रांच कोसला मी सक्सेसफुली मार दोन्हीहून अटॅक केला ओरसांना किटकिट सेंड पण केला अटॅक थांब एक मिनिट हो येऊ दूर एक अटॅक केले अटॅक मार ते आले हो कर कर फॉल बॅक कर अरे दोन जण तरी कोडी का नाही पडले बाहेर ओके ओके नो चलो फिनिश टक फिनिश टक नेडल था तो रिवाज त्याला बोलाय खिडकी अरे तो दरवाजा रिवाज त्याला बोलाय भाई अंगती राईट अरे लेफ्ट दरवाजा गेम झाला तो अरे अटे प्लेअर होत अटे प्लेअर होत अटे कॅम्पर अटे कॅम्पर भाई एक कन्फ्युजन पॅनिक नको आरामात खेळ मोठला कॅम्पर आहे तर नाका येऊ
तू फोन खराब झालता ना. अरे काय अँगू भाई, त्या आईला ते आयफोन डेड झाला ना सलवार वाटायला, ते मला थोडी माहिती, माझं खराब झाला का भेंडी, माय जी केलता कपडात. डॉक्टर ऑफलाइन गेला. तो वर्षा होता ना, वर्षा भेंडी कडक कॅम्पिंग मारतो. अरे कटे कटे जाऊ मी एडा, काय नाही सर, आता नीट ठेवू सर. पण वर्षान पण चोको दिला रे, क्रॉस केलं होतं. आई देर तो बाहेर उतरले का, वाट लागू आयुष्य वाट आहे माय. ओ अख्खे पावर पॅनल उतरलात कॅबलातला. तू बरे कोण निघाला? कोणच नाही, कोणच नाही. आता काय पण करून मरणार नाही. दाते भाई हो, फाइट चालले ना तो आपण घुसू मध्ये भेंडी एक एक काढू. आपण थर्ड पार्टी करतोय आता. प्रणाम. अरे सर मी निघाला एक मिनिट, फक्त चेष्टा म्हणते पेस्टा पेस्टा कर दे. पेस्ट बेस्ट काय मी आली ना ते गे 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 बेस्ट बेस्ट गे चल. मला एक मायदे का मंडळ जो मध्ये आपला हॉट होतात तर पर कुठला काय आपल्या मध्ये चांगली लूट येते. अटे एम फोर आहे गाडी घेऊनच स्लॅम कर. गाडी घेऊनच आला. तू हे कर, तोंबाळा तोंबाळा त्यांना गाडी घेऊन बेंच स्मोकटा काम सारखी मागे बघ. मार्क द लोकेशन.
बीच ऊपर स्कोप यूज कर तो अरे हां मैं वो नहीं डाला नहीं नहीं पकड़ गया बीता की तूने नहीं उड़ी तो नोप हां नोप वो कोने उड़ी लभाटला पेरे हम वर्ती वर्ती समोर है कैंपर लिटरली ये आपकी स्क्वाड आली करी ऑल डेड वन बी मैं इतने हां ओके एक्सीलेंट वर्क थैंक यू सर किधर उतर रहा है बंदे के लोड़े वो त्री पाया कोणाला वो अटला नव्हता उतरले ते होता बिजेकडे उतरलो ते आगे तडकडे उतरला ते बघ अटला मार्क द लोकेशन वो त्री पाएगा ना हाकडे टाक किते थ्री हो कडे का ड्रॉप करला आटा कडे टाक मी मतलब बिन वो ड्रॉप केले या कोन सेंस आहे हिरू का सेंस आहे अजून एक क्रिया लवड झाली सेन्से एक परत याला सेन्से आयला ते नावच असेल बे तू क्या रुके तू क्या रुके सांगा तू थ्रू का थ्रू करला नॉट बॅड ठीक आहे चिकन तो मेरी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर मेरी क्रिसमस Mark the location. Got that. Okay, so. What part is it? Then I bro. You cannot tell, bro. What is it? Then bot me. Bot me. What is it? You mana? Hey, boy. Watch out. I'm really sorry. Okay, okay. Sir. Okay. Nallu lobby vatte mane. Are? सु 경기 구역으로 이동 Where are the players? No players. Watch out. Hello.
अरे थाम घर आ कवर अरे अटे ओके 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 मारो यार मारो यार अटे लेफ्ट लगा दे अरे तो कवर अटे 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 यो नंबर यो 4 कम यो कपले दे मोकेले डीपी वाला आटे काट दे रिया वाच आउट अपना फायरिंग डीपी वाला बीजा स्क्वाड है तेरे कटला एक भाई भाई डीपी फायरिंग दिले या साइड ने रे वाच आउट औरा कत ना आटे कोणी तेरे ने फायरिंग दिली पूरा ड्रॉप केला मीन डॉक्टर जोन तुझे सेंटर क्लिक करत डॉक्टर अबे चल ना ब्रो कन्वर्ट हो जा ब्रो नूप कैंपर्स यू फक कैंपर किसको बोला बे अरे कैंपर है घर आते हैं कुंडे कुंडे हेल्प ये भाई भाई घर है बा हेल्प मार्क द लोकेशन वॉच आउट हेल्प ओ नहीं मिनी और शकी नहीं शकी तेरे मानो फाड़ी लो आर को उर को टाइटन कम यो Wait, meet them. Meet them. Help! Excellent work! Help! भाई एक मिनट यार इतना स्मोक किया है भाई रुक ना क्या माना दे पहला हाँ भाई पहले उसको रुक आई चुवान अरे ओपन ले फिल्टर का नहीं कुमार अभी देख थाम थाम धड़ा में देख मैं सब धड़ा में देख कवर लो सब हम वाला गाड़ी होने थी यार गाड़ी गरता मार लगा गरता मिला तो धड़ा में देख भी ले मन करे ओटे ओटे वॉच आउट मैं मनगर से लग रहा मेरा बबू कहाँ है ऑटो होता है ओके 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 बबू तेरा माइड नहीं है कौन कौन माइड तो माइड ही नहीं है इतने माइड ही नहीं है वॉच आउट आयर के लोग सुन रहे अरे भाई भी पार टॉप करके फटकर पास गोया मार लिया थी मालूम माइड नहीं क्या हुआ होते थे मैं हवाई दर थी अरे देवा दोन पॉइंट करता रेला रे ग्राउंड वास रे आयला ते मस्त मस्त लॉबी इन द ग्राउंड ला पा 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 टॅक्टिकी डॉक्टर तो दिसतोय ओ डॉक्टर तो काय हेलो हेलो एग्जिट केला रे ते केले परत मॅचिंग म्हणून तो सर थांब रे इधर ना घेऊ मग स्टार्ट कर दिया चलो लेट्स गो अरे आ रही है तुम कुछ कर ओ भाई मारो भाई पेलो अरे मैं पूछने वाला था कि आप खेल रहे क्या
अभी मैं देखा था कि अच्छा आप लोग 4x4 में थे ना, इसलिए मैं पूछने वाला था कि कोई याद नहीं रहा। अरे नहीं एक्चुअली हम लोग 5 जन हो गए एक दिन उसके साथ खेलने चला गया। अच्छा यार मैं तो रोज टाइम क्लास ही खेलता हूँ, कस्टम वस्टम इस टाइम कोई खेल नहीं रहा ना। दो बंदों को असाइनमेंट पता नहीं कंप्लीट कंप्लीट करना है, वो सबका कॉलेज और इसका सब लोग खेलते नहीं है, बहुत दिन से नहीं खेल रहे वो लोग ऐसा। अच्छा एग्जाम एग्जाम आ रहे हैं उनके तो खूब, इसलिए कोई लास्ट कस्टम 11 बजे खेलते हैं फिर इसको नहीं खेलते। यही मजा आता है। हाँ अरे मेरे को तो ये ज्यादा अच्छा क्लासिक लगता है भाई आजकल। अरे पता है हम लोग में क्या है, जैसे कि ऐसे कोई T1 E1 तो कोई मतलब नहीं है भाई, T1 E1 भी आजकल T3 हो गया, सबको सब वैसे भी बैन गेम ना, तो सबको सब होता है ना अच्छी टीम को टारगेट टारगेट करने चले जाते हैं बंदे, गन फाइट करने सब गन फाइट लेते हैं पूरे की चुनकी ये वो, इसलिए अब वही वही। अरे हम लोग भी वही करते हैं, हम लोग तो जैसे कि वो P7 है उसको मारने चले गए कभी आसने आसते हैं ये वो सब ऐसे ना, DT डार्क टेंजेंट है ना ये सब सबको सब आ जाती है फिर वहीं पे ये वो, तो इसलिए पता है फर्स्ट फर्स्ट सर्कल में 40 बंदे ऐसे करते हैं, सर्वाइवल है ही नहीं। ओए फ्लेरत मेमली बादल में मिला समझो, अरे वर्टिकल का मेन है कड़े मेन लगे लगे नहीं खाली 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 बाहर तो पड़ तो बाकी खावा है तेरे का लड़के बाहर सब खाऊं दे चलने का बंदे बंदे मेन 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 एक के पास में कार नहीं थी, एक ही मैं यहाँ पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ ऊपर सीधा बॉट है खाली मार लो ललित हील कर रहा है मेरा ऊपर वाला। ओके हां ये रहा हो गया हील, हील कर लियो। हां मैं ओके okay, मैं यहां से एक को ड्रॉप करने की कोशिश करता हूं, एक मिनट रुक जाओ। और गाइस आराम से आराम से ललित टट्टी खाला बाजू में बिल्डिंग में भी प्लेयर है, प्लेयर है बी केयरफुल आराम से। उधर वाले की पेटी बनी, उधर वाले की पेटी बन गई, इधर वाले की मेरे ऊपर पेटी धुआं निकला, मेरे ऊपर 3 है शायद। हाँ ऊपर एक नॉक नाइस, मेरे ऊपर चलना आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डेड स्मोक मॉली जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अरे भाई पाजू से पहला मेरे को लेफ्ट साइड थे कोर दे दे, एक यहाँ पे मारेगा मोटे जी, आ जाओ आराम से मैं अंदर घुस रहा हूं इसके अंदर। मार्क द लोकेशन, हां मैं आ रहा हूं मैं रेफ दे रहा हूं। इसमें वॉच आउट, इसमें प्लेयर घुसे ब्राउन बंदा, हां ब्राउन बंदा देन देन नन नॉक कर टाइट ही टाइम में नॉक होता कोई बात नहीं, हीलिंग चाहिए क्या 5 बंदा जा नहीं है मेरे पास में हेल्थ, ये ऊपर का बंदा एक ही टच अकेला टच है, नहीं 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 है इसकी पूरी टीम है 2 से 3 है। अरे नेड मिला यार रुको नेड करता क्या? सामने वाले घर में भी है एक। हाँ वही सामने वाले घर में। आटे वर्ती कौन ने का? वो तेरे? नहीं वर्ती कौन है? भाई मरा कैसे नहीं बहुत लोग हैं वो। सामने वाले उसके तो सामने क्या? Marked an open door. रुको 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 मैं भी आ रहा मैं आगे जा रहा मैं आगे जा रहा हूँ कॉर्ड देना ठीक मैं आ जा रहा हूँ ऊपर। नहीं नहीं अरे इस घर के ऊपर है ना, इस घर के ऊपर मेन बिल्डिंग के ऊपर भी है ना। हां मेन बिल्डिंग के ऊपर है। रुको 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 भाई ये लोग पूरा कैंप कर रहे हैं आराम से, कैंप मारे ऊपर रहने
जिंदगी नहीं है इसमें उन्हें हेल्थ 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 इधर ही रहेगा मार्क द लोकेशन है क्या मेरा बाउंस कर गया शायद लेटा हुआ है यहाँ पे नजदीक में टॉप पे रुको एक मिनट आवाज मत करो एक मिनट कोई तो लेटा हुआ है यहाँ पे कहीं पे नजदीक में लेटा हुआ है ड्रैग कर अरे आप इस वाले घर में हैं बंदे अरे बगिया भी निकल लिया भाई अनी कौन सा यार प्लेयर है मार्क द लोकेशन शुअर माइटी ब्रो माइटी कौन से मॉलीवुड डील करी अरे एक प्लेयर है मार्क द लोकेशन अरे एक प्लेयर इधर है एनिमीज अहेड इसको इसको लेते पहले वॉच आउट पीछे चला गया क्या ये शॉट पीछे लगा सर कॉल बैक कर लिया आपने फिर ये वाला एनिमी सामने वाला दिख गया मार्क द लोकेशन नाइस नॉक अरे ओपी भाई ओपी भाई उसको इसके इसका दूसरा बंदा मारा हाँ हाँ दूसरे बंदे इसके स्पॉट के टीममेट को मार दिया आ जाओ आगे बंदे अब मेन लाए हो जा रहा बंदा शायद वॉच आउट वॉच आउट ऊपर है क्या लो है क्या नहीं लो नहीं अभी तक इसमें नेड करो कटे मार्क द लोकेशन गुस्सा पे चलो रुको मैं रुक जाऊं ले लो लो नीचे ओए दो जने कोई ना अयो मार अरे ओपी ओ भाई इसने मेरे को नॉक किया था साले कुत्ता टाइटन छोड़ के मैं तो मस्ती में जा रहा था ओ टाइटन को फिनिश मार दिया लॉल अबे यार मैं तो मस्ती में जा रहा था मेरे को लगा ऊपर होगा मुझे तो खतरनाक लौंडा था और भी बात करेगा देखना वो अभी और से बात करेगा मनगरी कौन है मनगरी को डरा डीपी वाला पुश आ रहा है रैप ले कोई नहीं आने दो पुश बॉट है ये अरे हेल्थ नहीं रुकना है मेरी ना 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 नहीं उसको किसने कौन किसको नॉक करा अरे भाई मेरे को भी नहीं आया ये एक और फुट आया शायद उसने मारा है यहां पे उठ मार्क द लोकेशन अच्छा उधर है क्या बंदा अरे सोया कौन है हाँ लेफ्ट वाली बिल्डिंग से आ रहा है लेफ्ट वाली बिल्डिंग से पुश आ रहा है अबे भाई ये क्या है क्या हम कुछ ही से आ रहे हैं पानी डाया भाई मैं एक एचपी में फर्स्ट रेड है यहाँ पे लो एक ही है बाकी ठीक है पैटर्न है तू एक तरफ से था
अरे दूर भी बंदा है। ओ भाई ये क्या था? ये कहाँ था भाई? अरे ये शैक के अंदर बैठा था, शैक के अंदर बैठा था, शैक के अंदर बैठा था ये। जी जी जंपर है इसकी, नेक्स्ट लेवल मजा आया। जी जी चलो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट राउंड लेता यार ये तो। हां ये नेक्स्ट लेवल। कोई नहीं कोई नहीं भाई, क्या गाद भेड़ी पास शायद डैमेज ने भेंचो दोनों स्किल जंपर से जिंदगी यार बिग। जी जी ये कैसे राउंड होते हैं यार, शैक के अंदर बैठा। है पता है अजीज में मेरे को ना एक लौंडा बोलता कि कॉन्करर पुश करते हैं, तो बोला कि भाई क्लासिक नहीं खेला जाता भाई मेरे तो। अरे मेरे को बड़े वाले मैप खेलने में मजा नहीं आता यार, हम खेलते ही नहीं। अरे मैंने मैं तो बोलने लगा हां हां, अरे वो बहुत लोग को तब मैं भी छोटे मैम छोटे गेम ज्यादा टाइम लगता है और इसमें कैसे मजा आता है। अरे हां वही ना वही ना भाई, इतनी छोटी सी खिड़की से निकल जा रहे हैं और बाहर निकल जाते हैं भाई, क्या हो गया। आरआईपी साइंस, आरआईपी फिजिक्स, आरआईपी सब कुछ इसमें इस छोटे से इसमें से आप बाहर निकल जाओगे। जी जी राहुल, अरे पता है जीजी वाले पता है अभी प्राइस स्कूल स्ट्रीम्स कराया था करार पे, इसके में थे सब बंदे आ रहे थे। हां हां वो ही पता है, यहां मैं भी गया था। हां कितने बजे करते हैं? कौन कौन जीजी? जीजी पता नहीं मेरे को, जीजी मैं आपको स्लॉटलेस भेजूंगा तो वो अच्छी लॉबी आ रही। पीजीएस पीजीएस की मेल लाइनअप वो एडमिरल नहीं है। हां हां बंदे ई पे गन फाइट तगड़ा वाला। ओके हो जाएगी हो जाएगी। मेन मिलने मन उतरे मैं जहां टाइटन वहां मैं वहां भाई टाइटन नाम से बोला ऐसा नहीं है। ओ हो भैया रुको, ओ भाई याद पड़त वॉच आउट, लेट जाओ लेट जाओ टाइटन। अब तो मेरे भाई आमर में सबके ऊपर एक बंदा, हां मेरे घर के ऊपर एक बंदा है ठीक। हां यहां के बंदा, अबे एक को मारा मैंने गलत। कोई ना कोई ना कोई ना, ये तो फिनिश करेगा ना बड़ा। नाइस वन, मेरा मेरा कल कंफर्म कर दो बस। हो गया कंफर्म हो गया। हां लॉल लेफ्ट, अरे ऑलरेडी अच्छा ऑल अच्छा किल कंफर्म किया था, किल कंफर्म हो गया। नेट आ रहा है मिनट किला ओ वार्स प्लेयर आ रे। हां रश आ रहा आपके ऊपर, वो वर्षा मार वर्षा मार ललित कर था। एक और सामने, एक और यहां पे जी जी वेट कर, एल दो टाइटन फुल कर। फुल कैंप पे ना शॉटगन मूव पे भाई मुझसे सर के बैठ जाइए। मैंने टोटल बोला क्या भाई? नेट वो भाई उनको भी पूछा क्या? ये लो इसको लूट, नल्ला नल्ला वो भी जा ले भाई। ये आवाज है इसकी अजीब सी। ओ दो बंदे भागो, दरवाजा कौन खोल रहा था? अरे भाई नॉक हो गया, छीरे नॉक हो गया, अकेला बंदा है आराम से मारेगा मेरे को। अरे भाई मर गया रे। अरे ओए दोनों ओ जी जी आई हेड कोई ना कोई ना कोई ना मिलता एडवेंचर जी रे बस साली भाई। ये भी एक एचपी था जिंदगी परिस्थिति झंडवा।
दोनों था ना सही। अरे पता है ज्यूस भी आज तो फुल स्कैम है, हो गया था। हम लोग फुल एकदम गुस्सा हो गया, मतलब फुल कंट्रोवर्सी हो गया था। पता है क्या सीन है कि पिछले एक महीने से एक लौंडा हैक्टर करके, वो कस्टम में क्या करता है, उसका टीम है TM7, टीम मैनेजर 7। तो वो लोग कस्टम में अपना, हमें वो बंदा अपना एक दूसरा आईडी बैठा देता है, ठीक ना, और एकदम प्रॉपर, एकदम प्रॉपर भाई, मतलब जैसे कि होता है ना अचानक से नेड़ा के फूट जाए, वैसा करता है नेड़, ठीक। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं एक्सपेक्टेड आईडी बैठाऊंगा तो मैं तो देख लूंगा बंदे की पोजीशन, वो देख देखे वो नेड़ मार मार के बंदा 16-17 किल मार दे रहा है ई-स्पोर्ट्स एम्पायर एम्पायर के रूम में। तो हाँ, तो हम लोग ने ढेर कम से कम मतलब 25-30 प्रूफ इकट्ठे कर लिए। प्लस कर हम लोग, जैसे कि हम लोग जो दोस्त होंगे, जैसे कि मेरे टीम जैसे दोस्त है, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है, P7 है, JE है, OTD है, CSPG है, तो हम लोग ये सब सारे दोस्त लोग ये कि जिस कस्टम में ये लोग जाएंगे उस कस्टम में हम लोग खेलेंगे ही नहीं। अच्छा ठीक, जैसा कि अब आप ही, और वो लोग पेड स्लॉट लेते हैं, पता है हर एक कस्टम में पेड स्लॉट लेते हैं वो लोग, अचीवमेंट तो है नहीं, और तुम पेड स्लॉट करके उसमें उसमें फिर एसएस करके बटा के फिर बंदूक दूसरों को प्रैक्टिस खराब कर रहे हो, और ऊपर और खुद कभी मतलब होगा तो उसकी सबको समझ। ये जो कस्टम होते हैं ना, अभी हमारे तो नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल चल रहे हैं। जो फॉर्मल कस्टम होते हैं ना, जो अच्छे अच्छे टीम मतलब बड़ी टीम, उन लोगों के लिए ना पहले एक क्वालिफायर कस्टम रखना चाहिए जिसमें उन लोगों का ड्रॉप जो है ना उसको सिलेक्ट करेंगे वो लोग। अरे हाँ, अरे होता तो होता था, मैं कहता मैं खेला नहीं, उजार नहीं, मैं एक ही बार खेला हूँ मैं ऐसे वाला रूल पे। एक वीक तक फाइट करेंगे, उसके बाद में वो प्लेयर है बनगरी, बनगरी प्लेयर है। मैं भी एक ऐसा कस्टम खेला हूं जिसमें ड्रॉप नॉक थोड़ा नॉक कौन सा नॉक पड़ा था, एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर है, वॉच आउट। हां वही वही नॉक पड़ा था, एक नॉक मार्क द लोकेशन, वॉच आउट। नहीं मैं कुछ कर रहा हूं, ओ कहां से मार रहा है, सामने प्लेयर है, ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बंदा भाई यहाँ पे डबल है, मैं फंस गया, वो याद पड़ने, वॉच आउट। अरे यार मैं दारा में उनका किल कर लिया, मस्त रे नॉक नॉक का, ओ फ्लेम्स जीजी देखो हम उसको। अरे मैंने उधर गया रे, अब्दुल उधर गया रे, भाई यहाँ पे भी है पॉटे, अजून नॉक आया, ओके दोन नॉक होत का, एक बॉट मार मैं क्या यहां पे, एक दो दो बंदे मेरे ऊपर है, ठीक है मैं आ रहा, मैं आ रहा, मैं आ रहा, चल नॉक जा और सा नॉक केला तू यार, एक अजून एक रेल कैम किया होगा एक उंडरे केला मैं मंदिर में मत, भाई दे वाइप पे वाइप हो गए ये सब तो। एक और बंदा इसमें नॉक दिया हूँ, क्यों नहीं चलेंगे इसे, मेरे को समझ नहीं आया मैं किसको मार रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। आ ये मेरे को सेट मिला, देख देख किसी, वो ही जब वो पीछे पीछे वो भाग रहा है, भैया भैया जी लेट गए थे फुल। आ ये फुल ऑफ कॉम्पिटिटिव प्लेयर यार, शॉट बोलते ब्रो, ये ओपन में था, अरे
स्कोप है, एक्स्ट्रा स्कोप स्कोप। हाँ यहाँ पे से 3 पड़ा है। हाँ तो जो 5 कैम चाहिए। I got supplies। मेरे से लो, मेरे से लो, मेरे पे 180 का। कौन से किसको चाहिए? अच्छा सी यूज़ भी आपको। तो गन स्विच करते हैं। कुछ बंद गया। 7 कैम मॉडल है। ये अभिषेक वाला आया है यहीं पे, चलते हैं कंपाउंड पे। मेरे मार्क वाला 3 पैक का कौन वाला कंपाउंड मारता है ना आपस। अच्छा हां मेरे मैप मार। उधर ही है पास में, मतलब वो नखर कौन है वो लेफ्ट में बंदे वहां पे। वॉच आउट बे, कहां वॉच आउट हुआ यहां। एनिमीज अहेड। पहले कंपाउंड वालों को मार देते हैं। ये वाला पता नहीं दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहां गया। ठीक है कहां पे ये बंदा कंपाउंड वाला? ओ वो उस वक्त पे कंपाउंड्स पे मेरे को शॉट्स आए उधर से। एग्जैक्ट लोकेशन पहुंच नहीं पता। nice. वहां पे एक नॉक पत्थर पे। अरे वहां पे स्मोक सुन रहा हूं। ऊपर से बंदे संभल के। अरे अरे ये कहाँ से नॉक दिया मेरे को? अबे फिनिश कर रहा है। एफ कोई जल्दी से मार लो ना। गया ये कहाँ से मार रहा है साहब? अरे देख रहा हूँ मेरे को। अबे क्या अरे क्या है मन करिए मन करिए आइडल मन करिए भाई लगे कोर्ट पर मेरे को इसने कसम से बहुत गंदा किया। टैप टैप वाले वही रेंजर होता है। ओए भाई मेरे ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਮਦੇ ਨਾ ਯਾ ਮੈਨੇ ਕਿ ਨਾ ਮੁਕਤਾ ਮੁਕਤਾ ਮੇਦਰ ਚਾਰ ਦੀ ਕੋਟੀ ਕੀ ਲੈ ਪੀਟੀ ਅਰੇ ਲੈ ਕਾਇ ਪੜ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੜ ਦੇ ਦੇ ਸਮੋਕ ਮਾਰਾ ਸਮੋਕ ਮਾਰਾ ਸਮੋਕ ਮਾਰਾ ਸਮੋਕ ਕਰਦਾ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਦੇ ਪੀਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਤਾ ਤਾਂ थाम तू की पीक ना के जुमान रिवाइव ऐसे ये कटी से आप स्मोक मुंदे बक स्मोक मुंदे बक लॉक कर दा। ओए नो इतना भी जाला है ऐ नसीब उसको दे रहा है पटे पटे ओ आप लोग पेट ला है आप लोग आप लोग पेटी कर रहा कटना वा मार। अरे काय ले ले तुम्ही कोडला मारता रे काय समझे। अरे प्लेयर आल्ता अपने तेरे वॉच आउट वर्क। अरे कोणा कोणा खालती येते आपला कोण भाई। अरे वो बा कैंप पर लोकेशन वॉच आउट। अरे ओके स्मोक तक देखा था भाई। ओए स्मोक है ओए उमे गेला कायम सा थाम लोग कुछ देर बहुत इतना टाइम फाइट चल रही है बिल्डिंग में। वॉच आउट मैं जाना बोल तो जरा लेफ्ट लेफ्ट प्लेयर है ना अर्जुन लेफ्ट ला हाथ पर हमार चल घुस यार थी गाड़ी कौन सा लगे ना मेरे पास आई गो ओपी ऑल लोड नहीं हां ऑल लोड है। तुम दोनों रूट पे ओके ओके लेट्स गो। या आंडुला अटला या आंडुल होता ते कटला गेला फक्त किल नाही का भेटला नाही आगो पागो तो पडलो पडला काय माहिती मैं दिल को किल नहीं 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 मैं तो नहीं मैं तो क्यों नहीं छोटे छोटे मुझे कैम भी अपन बोल रहे थे है ना डिवाइस तो होना रहने तो हालांकि बात लगो आपकी आली मौत आ गई ब्रो। नहीं नहीं वाह वाह
हाँ कैंपर है तब ने कैसे चिंतगी है थ्री वी थ्री मुत्वा की लेंस और रिला लाया आई डोंट नो आइडिया गाड़ी का बोक्त थे नो गाड़ी ये तो मार के वाटे या साइड ला टिकट दे मार्क द लोकेशन ड्रॉप है लेफ्ट ला इस तरह कौन सा पूछते पाले थे मैं ना कोटे आए आए ओए टेंपर बघना है बेंडी इंडियन आर्मी अरे भाई सब लोग इंडियन आर्मी क्यों लिखता है ब्रो कितने इंडियन आर्मी तीन मौली एओजी अरे 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 ओए एक टस का है वाला भैया है फिर टकर से मेरे साथ आता है हां तो हां तो स्नेक दिला हम फुल बूस्टर्स मार नहीं नहीं स्नेक ने मांगे ला मोदी मारा के वट्टे हैं पे पुड़ा ले हां ये पुड़ा ले मैंने कहा खाली होती है प्लेयर ये यहां नहीं आ ले रे कौन अब ला डडार का कोई नहीं चाहो ओ अटे अटे मागे आते हैं अरे अटे बोलते रहो मारने के लिए सट्टी मार्क द लोकेशन ठीक है सर पांडरा मंदे क्या कर रहा मंदे गलता मार्क द लोकेशन मैं जोन ला आ गया करना जोन मंदे गला थे राइट ना वर्ती जा रहे टाइटन यहां से लगा यहां से लो मार्क द लोकेशन मार राइट ले राइट वाटर है वाटर जरा कोड बिना कोई आदमी के पास तो बोला मत नाज़िम कुरैशी भाई ओ भाई डैमेज बक घोड़ा ना किल बक मजा फाइनली पोसला रे गुड तू पर पोसला क्राउन ला चलो अरे मैं फोन चार्जिंग में लगा दिया था ओके ओके चलो मिलते हैं चल लगा हां भाई एक बात नहीं हां ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट तो गाइस आज के लिए बस इतना ही आज थोड़ा सा अच्छा गेम प्ले हुआ पता नहीं क्यों पर शायद से कुछ अलग ही चीज चल रहा था और ये हमारा जो की थे ना उसका भी ये लड़ू लड़ी थे जो है उसका भी गेम प्ले भाई आज अच्छा हो गया उसका तो रीजन आप लोगों को तो पता ही होगा हर रोज हम लोग बात करते हैं उसके बारे में तो बस आज के लिए इतना अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना कल वापस मिलेंगे 10:15 बजे एक्चुअली 10:15 में क्यों बोलता हूँ ब्रो 10:05 पे हाँ 10:05 पे हम लोग मिलेंगे एंड वापस से सेम लॉबी फुल बूमबाम वाली तगड़ी वाली एंड ऑल द डिजर्विंग गाइज आएंगे वापस से आप लोगों को अपना गेम प्ले दिखाने के लिए एकदम तगड़ा वाला गेम प्ले जो होने वाला है एंड साथ ही साथ में भाई हमारी कॉमेंट्री तो रहेगी रहेगी तो गाइज तब तक के लिए मिलते हैं कल वापस से बूम बाम करने के लिए तब तक सी यू ऑल द लवली स्टार गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर एंड स्टे सेफ एवरीबॉडी बाय बाय
Thank you.